नमस्कार नमस्कार सर। जी। नमस्कार, क्या हाल है? नमस्कार अच्छा, देखिए आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। प्रणाम सर। प्रणाम। आप तो हम लोग जब तक फुल कोरम आता है, हम नक्षत्र वाला। आप लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ठीक से? यस सर। यस सर। हाँ हाँ सर। हाँ सर, आ रही है। बस ठीक है, आ रही है। बढ़िया आ रही है। बढ़िया ठीक है। अभी हम लोग ये 3-4 नक्षत्र को भी आगे बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे, ताकि हमारा आज फिर हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक लोग भी आएंगे। जो सेकंड बेल्ट है नक्षत्रास की, उसमें जो पहला नक्षत्र है, ये हमने दोनों पिछले बार किए थे, लेकिन सर रिपीट कर लेते हैं। सेकंड बेल्ट में आप लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप नक्षत्र को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बार बार आपको इस्तेमाल में आएगा। और इसको कई बार पढ़ना होगा, जबकि जब तक कि आप इसे बार बार नहीं पढ़ेंगे तो आपको इसके करेक्टरिस्टिक्स याद नहीं होंगे। और ये जो नक्षत्र, जब भी कभी आप किसी कुंडली को देखेंगे तो वहां पे लगन, लग्ना लॉर्ड और चंद्रमा, इन तीन के जो नक्षत्र होते हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स व्यक्ति के ऊपर पूरी तरह से लागू हो जाते हैं। पिछले बार नवीन गुप्ता जी ने ये प्रश्न पूछा था, तो मैंने उनको आंसर दिया था कि वैसे तो नक्षत्र हर ग्रह के ऊपर लागू होते हैं, तो वो भी सही बात है, क्योंकि अगर आपने जैसे किसी के मदर की करेक्टरिस्टिक्स आपने देखनी है, तो चंद्रमा का जो उसका नक्षत्र है उससे मिलता जुलता, और फोर्थ के लॉर्ड के जिस नक्षत्र पे है उससे मिलता जुलता माता जी का बिहेवियर और करेक्टरिस्टिक्स आएंगे। उसी प्रकार पिताजी का अगर देखना है तो आपको 9th का लॉर्ड और सूर्य के नक्षत्र के करेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अगर इसी प्रकार सोन सो फोर्थ, जैसे पत्नी का देखना है तो 7th हाउस एंड शुक्र, उसके नक्षत्र के करेक्टरिस्टिक्स आपके, और स्पाउस को देखना है तो लेडीज के केस में मंगल के जो नक्षत्र के करेक्टरिस्टिक्स हैं, और 7th लॉर्ड के नक्षत्र के करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हस्बैंड पे डिवॉल्व करेंगे। और लेकिन जो मेन बात है कि अगर जो नक्षत्र आपका लगन का नक्षत्र होता है और लग्नेश का नक्षत्र होता है और चंद्र का नक्षत्र होता है, इनके करेक्टरिस्टिक्स पूरी तरह से आप पे लागू होते हैं। अब जैसे मघा की हम बात कर रहे हैं, मघा नक्षत्र सिंह राशि से शुरू होता है, 0 से 13 डिग्री 20 मिनट का, और ये इसका जो आभास जो होता है उसकी आकृति का या उसके लोगों का, वो पालकी का है। इसके मघा के देव पितृगण माने जाते हैं, शूद्र जाति के का नक्षत्र है। और बाद में हम उस बारे में बात करेंगे, जो डॉक्टर अरविंद साहब ने जो बात लिखी थी वो भी सही है, क्योंकि तो नक्षत्र का जो है उग्र रूप और ये सब नक्षत्र कैटेगराइजेशन है, तो हम जब नक्षत्र को आगे बढ़ाएंगे तो हम उन सभी चीजों को लेंगे। ये मघा नक्षत्र के जो जातक हैं वो काफी साहसी होते हैं और धनाढ्य होते हैं, और पिता के प्रति उनका रुझान और वो फेथफुलनेस होती है, और धार्मिक होते हैं लेकिन गुस्से वाले होते हैं। उनको भगवान की तरफ से ये काफी सर्वेंट वगैरह का और अच्छे धन का, इन सब का योग बनता है। नमस्ते। नमस्कार। इसमें इनको ये अपने बड़े बुजुर्गों को आदर देते हैं, भगवान के प्रति इनकी श्रद्धा होती है, और काम करने में बहुत एंटरप्राइजिंग होते हैं, तो मतलब काफी रिस्क टेकर्स होते हैं, और
दूरदर्शी ये डिप्लोमेसी या नीतिज्ञ टाइप के होते हैं, तो किससे क्या बात करनी है, और रीगल का मतलब ये होता है कि बहुत डिग्निफाइड और रॉयल किस्म का बिहेवियर, सोसाइटी में काफ़ी एमिनेंस के साथ जाने जाते हैं, लेकिन ये लोग थोड़ा आतुर भी होते हैं, जल्दी इनको सभी चीज़ें काफ़ी बहुतायत में मिलती हैं, दूसरे सेक्स के प्रति इनका रुझान होता है, थोड़ा स्कीमिंग से के लिए भी जाने जाते हैं, यानी कहने का मतलब है कि कुछ इस तरह की चीज़ें जो जिन्हें स्कीमिंग कहते हैं, तो मतलब है कि कुछ प्लॉट करना या इसके बाद जो दूसरा नक्षत्र आता है इसी सिंह राशि के अंदर वो है पूर्वा फाग्नी। सर हाँ जी सर, इसमें तो हम कैसे लेंगे, अब जितने भी इसके कैरेक्टर्स हैं इसमें शूद्र का कैरेक्टर तो शायद कोई भी नहीं है, तो नहीं देखिए कास्ट का असल में क्या है, जो ये जो वर्ण जो था ये व्यक्ति के काम से संबंधित था, मतलब किस तरह ये वर्ण में जो डिवीजन हुआ था वो जैसे जो ब्राह्मण वर्ण के हैं उनका जो रुझान आपको दिखेगा वो पूजा पाठ अध्यापन इन सब में आपको दिखाई पड़ेगा, और जो क्षत्रिय वर्ण के हैं वो किसी भी तरह से दूसरों को सुरक्षा देना या बैटल फील्ड में जाना ये सब इस तरह का उनका जो भी काम होगा और जो उनका बर्ताव होगा उसमें वो दिखाई पड़ता है, तो ये वर्ण काम से संबंधित जाता है, तो शूद्र का वर्ण या जैसे सेवक जाति का आप देखते हैं तो सेवक वर्किंग क्लास को रेफर करता है, हाँ मतलब बेसिकली वर्किंग से उनका माइंडसेट दिखाता है, जैसे शूद्र है तो उसका मतलब है कि उसे मीनियल काम करने में मतलब उसे एक सेंस ऑफ डिग्निटी ऑफ वर्क होना चाहिए, ये तो इस तरीके से ये कास्ट का बयान है, तो वैसे इसका और कोई ज्यादा उतना महत्व तो नहीं है। पूर्वा फाग्नि जो नक्षत्र है वो सिंह राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से और 26 डिग्री 40 मिनट तक आता है, मैं ऊपर मघा में आपको बताना भूल गया, केतु उसके लॉर्ड हैं और पूर्वा फाग्नि के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं, वीनस में से एक एस काट लीजिएगा, डबल एस लग गया, इनके जो आकृति से ये जाने जाते हैं वो है पलंग और हवन कुंड, और इनके देव हैं बग, ब्राह्मण जाति के हैं ये, और मीठी इनकी वाणी मीठी होती है और काफी दानवीर होते हैं, लिबरल का मतलब है कि जो ओपन विचारों का हो, और देखने में अच्छे होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, इनके पास नौकर चाकर होते हैं, अच्छे स्वभाव बर्ताव के होते हैं, दूरदर्शी होते हैं और खुश रहने वाले होते हैं, सोसाइटी के अंदर जाने जाते हैं और विद्वान होते हैं, भाग्यशाली भी हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसमें ये मतलब जितने भी ये हमारी इच्छाएं होती हैं क्षणिक प्लेजर की उनकी, तो रिनाउंस द वर्ल्ड का मतलब ये वानप्रस्थ आश्रम में जाने की बात को दिखा रहा है, और वैसे इस नक्षत्र को सेक्सुअल प्लेजर के साथ भी एसोसिएट किया जाता है, धन के साथ, और अपने अपने स्वयं के व्यक्तिगत इंटरेस्ट को प्रिजर्व करते हैं, यानी उसका वो ध्यान रखते हैं। देखिए आपको बार बार पढ़ के ना थोड़ा याद करने पड़ेंगे कि मुझे भी याद नहीं हुए, क्योंकि इनका इस्तेमाल जो है कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो बार बार प्रैक्टिस से ही आपको आएगी, और उसमें वही होता है कि क्योंकि अब दशा के इंटरप्रिटेशन में 13-14 टेक्निक्स मैं जानता हूँ, तो उनमें से जो टेक्निक्स मैं फ्रीक्वेंटली लगाता हूँ, तो ज्योतिष विषय इस तरह का है कि जिन चीज़ों को आप फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, अब जैसे नक्षत्र का जो उनके चरणों का जो हिसाब है जैसे मैंने आप लोगों को बताया था उसको मैं फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ, कि वो नक्षत्र प्रथम चरण का होगा तो धर्म के भावों से संबंधित होगा, द्वितीय चरण का होगा तो अर्थ के भावों से, अर्थी साइंस से, और उसका उन साइंस को महत्व देगा, तो मैंने काफी प्रैक्टिकली उसको
सही पाया है और उसका तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इनको अगर आप लगाएंगे, या मैं चुप भी लगाता नहीं हूँ तो इसलिए मुझे याद नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है बहुत, तो एक तरह से, लेकिन हमारा ये ऑब्लिगेशन है कि जो हम आपको क्लास के नोट दे रहे हैं उसको क्लास में एक बार जरूर कर लिया जाए। और इसमें जितने भी आप पांचों इंद्रियां आप लगाते हैं तो आपको याद हो जाता है। अभी आप जैसे श्रवण से आपका काम चल रहा है और साथ में आप एक टेम्पलेट भी देख रहे हैं तो आपकी दो इंद्रियां तो यहीं इस्तेमाल होगी। अगली बार आप फिर से जोर जोर से पढ़ेंगे तो आप स्वर की इंद्री को यूज करेंगे तो ऐसे याद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर आता है उत्तराग्नि नक्षत्र जो कि हाँ जी सर, क्वेरी ये थी जिस तरह से ये जो दशाएं होती हैं इनके अंदर आपने जो अभी लास्ट टू लास्ट क्लासेस में दो क्लासेस में हमने लर्न किया जो ऑर्डर में जिस तरह से प्लैनेट अकॉर्डिंग टू नक्षत्र बिहेव करता है फॉर द हाउसेस बेसिकली राशियों के अंदर नक्षत्रास भी अपना वो नक्षत्र चेंज भी करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर ट्रांजिशन गोचर उसके अंदर जी। तो उसमें भी क्या सेम वो रहता है उनका बिहेवियर, जैसे सपोजिंगली एक राशि में अगर दो या तीन नक्षत्र फॉल करते हैं तो कोई जुपिटर का है कोई मरकरी का है कोई उसका है सैटर्न का फॉर एग्जांपल, तो अगर कोई भी प्लैनेट 10 डिग्री तक का है 15 का है 18 का है 25 का है जैसे जैसे ट्रांजिट करेगा तो वो क्या अकॉर्डिंगली जिस जिस नक्षत्र में फॉल करेगा उसके अकॉर्डिंगली फल देगा या किस तरह से होता है उसके अंदर? रवि साहब ऐसा है ना कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर डिफरेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग गोचर है। जैसे अभी गोचर का आने वाले समय में गोचर की भी एक क्लास होगी आपको, क्योंकि वो दशा के इंटरप्रिटेशन में बहुत हेल्पफुल होता है, तो वो मैं प्लान कर रहा था आगे दो तीन टेक्निक्स के बाद गोचर का फिर आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा उसमें। वैसे तो आपके प्रश्न का पूर्ण रूप से आंसर मैं आपको मिलेगा, और लेकिन आपका कहना ठीक है क्योंकि देखिए जब इसमें इसका इसमें आपका अप्रोच आप कौन सा लेना चाहते हैं, अगर आप स्थूल अप्रोच लेते हैं तो गोचर को देखने का एक ढंग बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कुछ शुभ कुछ भावों के शुभ गोचर होते हैं कुछ भावों के अशुभ गोचर होते हैं, और इसके अलावा गोचर में वेद का भी कॉन्सेप्ट है, मतलब तो एक ग्रह जो है उससे एक सर्टेन स्थिति में बैठ के उस गोचर को के अच्छे फलों को वेद में लेके आता है। ये तो एक अपने आप में टेक्निक है। उसके बाद एक दूसरा जो टेक्निक है वो नेटल प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स के विजेवी गोचर है, उसी तरीके से फिर डबल ट्रांजिट का एक कॉन्सेप्ट है जो दो ग्रहों के ट्रांजिट होने पे किस तरीके का फल होते हैं। तो जब गोचर की क्लास होगी तो उसके हम माइक्रो लेवल्स पे जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा। अब जो जब आप नक्षत्र की बात करने लगते हैं तो इसका मतलब आप बहुत सूक्ष्म लेवल पे जाना चाहते हैं, तो ये तो इसमें कोई राय नहीं, कोई दो राय नहीं कि ग्रह नक्षत्र के द्वारा डिक्टेट होता है और नक्षत्र से बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है। तो ग्रह एक सर्टेन नक्षत्र, जैसे आप यूं समझ लीजिए आपको ज्यादातर जो राशि में तुला राशि के अंदर आपको स्वाति नक्षत्र के जो जातक आपको मिलेंगे वो ज्योतिष के ज्योतिष में बहुत इंक्लाइंड आपको मिलेंगे, और ये मैंने काफी अनुभव के साथ में देखा। तो आप ये देखिए कि चंद्रमा स्वाति, ये अनुभव देखने का एक कारण ये था कि मेरा चंद्रमा स्वाति का था तो मैं ये आज मुझे इतनी हॉरोस्कोप करते हुए हो गया समय, तो मैं हमेशा इस बात को जब भी कभी स्वाति नक्षत्र का कोई जातक आया तो मैंने उससे ये प्रश्न पूछा कि आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट है कि नहीं, तो पता चला कि उन्होंने ज्योतिष का भारतीय विद्या भवन में कोर्स कर लिया या एक समय पर वो स्वांता सुखाए पढ़े थे। तो इसका मतलब ये होता है वो उस समय का गोचर है जब बालक का जन्म हुआ है। अब देखिए रवि साहब गोचर तो वो भी है लेकिन वो नेटल कुंडली के अंदर में परिवर्तित हो गया वो गोचर, तो इसका मतलब है कि गोचर पे प्रभाव नक्षत्र का पूर्ण रूप से दृष्टि गोचर होता है। जैसे मैंने आपको अपना बताया कि मेरा जैसे भरणी नक्षत्र है और लग्ना लॉर्ड मेरा कृतिका का है तो वो उस समय का गोचर की पोजिशन है जब मैं जिस ईयर में मैं और जिस मंथ में जिस डे में मेरी मेरा जन्म हुआ था, तो अगर उसका प्रभाव अगर नहीं पड़ता होता है तो वही गोचर हो गया, तो वो उस समय का गोचर हो गया। अगर वो समय के गोचर को इतना प्रभावित करता है कि वो
नेटिविटी पे प्रभाव पड़ता है। नेटिविटी का मतलब है नेटल के बिहेवियर, उसके परिपेक्ष से संबंधित आने वाले जितने भी प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं उसमें वो नक्षत्र अगर प्रभावित कर रहा है उसके जीवन को, तो उसका मतलब गोचर में भी प्रभावित करता है। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो चंद्रमा जो है, अब इसी में मैंने देखा कि जो स्वाति के जो चौथे चरण के हैं और जो विशाखा के प्रथम चरण के हैं, उनका ज्योतिषियों के पास जाने का तो वो मन बनाते हैं, लेकिन ज्योतिष के अध्ययन की तरफ वो लोग उतना आतुर नहीं रहते। तो उसका मतलब इवन चरण का भी उतना बड़ा असर हो जाता है। तो जब गोचर की क्लास होगी तो आपका आंसर जो है वो ज्यादा डिटेल में डिफाइंड वे में आप समझ पाएंगे, लेकिन इसमें आपकी बात को मैं बड़ा करूंगा कि गोचर में भी नक्षत्र का जो फल है, अगर आप सूक्ष्म लेवल पे उसको समझना चाहते हैं तो नक्षत्र का फल डेफिनेट काफी बृहत्ता से आप समझ सकते हैं। देखिए जो ज्योतिष गोचर पे जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो स्थूल वे में गोचर को एक्सप्लेन करने के तरीके से लिखी गई, लेकिन नक्षत्र के रूप से आप उसको और समझ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए आता है इसके बाद है उत्तराफाग्नी नक्षत्र है जो कि लियो साइन में, तो सिंह राशि में 26-40 से 30 डिग्री तक पड़ता है। उसके बाद कन्या राशि के अंदर ये 0 से 10 डिग्री, तो 0 से 10 डिग्री का मतलब है तीन चरण इसके उत्तराफाग्नी के वर्गों में आ गए कन्या राशि के अंदर। और इसका जो लोगो या इंसिग्निया है या आकृति है वो छोटी पलंग है। इनके देवता हैं आर्यमान, और पूर्वाफाग्नी उत्तराफाग्नी जो है इनको पेयर टुगेदर, इनको दोनों को एक साथ देखा जाता है। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, जो अंतर देखा गया है वो है कि उत्तराफाग्नी वाले ज़्यादा जेनरस मतलब दयालु हृदय होते हैं और दूसरों को सहायता करने में ज़्यादा आतुर होते हैं, इस तरीके से डिफ्रेंशिएट होते हैं। और क्षत्रिय वर्ण के हैं ये, इंटेलिजेंट माने जाते हैं, ईमानदार होते हैं, काफ़ी सोसाइटी के अंदर पॉपुलर होते हैं, मतलब जाने माने होते हैं, अच्छे माने जाते हैं। उनके अपने खुद के बाहुबल से ही, वो अपने खुद के मेहनत से ही प्रॉपर्टीज वगैरह जोड़ते हैं। जिंदगी में को के छोटे छोटे क्षणों को सुख के रूप में कन्वर्ट करते हैं, दयालु हृदय होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। इसका मैंने जैसे आपको बताया कि पेयर टुगेदर होते हैं इनके साथ में, तो उसमें इसी तरह से ये डिफ्रेंशिएट होते हैं पूर्वाफाग्नी उत्तराफाग्नी की, ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा आतुर होते हैं दूसरों को मदद करने इन सब के लिए। और इसके अलावा पैट्रोनेस से यहाँ मतलब है कि वो किसी को जैसे मेंटरिंग करना, या किसी को जैसे आप देखते हैं कि लोग जो हैं बच्चों को स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करते हैं, या अनाथालयों में शिक्षा या उनके बच्चों के इलाज का इनका वहन करते हैं, तो उस तरह का पैट्रोनेज क्रिएट करते हैं। और ये दूसरों को हमेशा हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। इसमें यहाँ तक शायद हम कर चुके थे, क्योंकि इसमें उत्तराफाग्नी किसी छात्र ने कहा था उनका भी है, लेकिन वो क्योंकि इसमें सेक्सुअल स्कैंडल्स की बात आ गई है तो वो ऐसा, देखिए ये सारे के सारे जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये लागू हो व्यक्ति पे ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि और ग्रहों का ज्योतिष इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारे व्यक्तित्व में लगन, लग्नेश और चंद, इन तीन के नक्षत्र का जो है समावेश दिखाई पड़ता है। तो उसमें से क्या है कि प्लस इसके अलावा जो तीन नक्षत्र के फिर स्वयं के जो माता पिता के दिए गए जो संस्कार है, या हमारे सोसाइटी के द्वारा जो जिस तरह से संस्कारी जो स्थितियां हैं, प्लस अच्छे शुभ ग्रहों का लगन पे पड़ने वाला प्रभाव, वो सारी की सारी चीजें भी इनमें काफी परिवर्तन लेके आती हैं। लेकिन इसमें जैसे नक्षत्र की करेक्टरिस्टिक्स में दिया गया कि उत्तराफाग्नी वालों को थोड़ा
सेक्स स्कैंडल्स में या स्कैंडलस जीन्स में किसी तरह का फंसने का बनता है, ये म्यूजिक के शौकीन होते हैं, इनको सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब ये अपने आप को काफी अच्छी तरीके से प्रदर्शित करते हैं और चलिए अब काफी लोग आ गए, ये थोड़ा सा धीरे धीरे करके ही हम इसको निपटाएंगे। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, ये तो आप लोगों को मुझे मदद भी करनी पड़ेगी इसमें, इस वाले को स्वयं भी काफी करना होगा। मैं आपके सामने आज का जो हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं उसका स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ सर बताइए, आप लोगों को ये स्क्रीन शेयर दिख रहा है? आज जो हम आज जो हम करने जा रहे हैं वो है दशा के इंटरप्रिटेशन के इक्वेशन थ्योरी। इसको पहले मैं आपको वैसे समझाता हूँ कि एक मिनट आ जाए। देखिए क्या है कि ज्योतिष की जो धुरी हर सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट में चीजों को इंटरप्रेट करने की एक धुरी हुआ करती है, धुरी का मतलब है बैकबोन। और इसी तरीके से दशा के इंटरप्रिटेशन में ये जो इक्वेशन थ्योरी है ये इसकी बैकबोन मानी जाती है। ये हमें ग्रह के परिप्रेक्ष्य में तो ये हमें बताती है कि ग्रह कितना ताकतवर है। अब आपको जैसे आप देखते हैं ज्योतिष के अंदर बहुत से सर्च लाइट हैं जिनमें से ग्रह को हम षटबल के अनुसार भी देखते हैं, ग्रह को हम ग्रह के स्ट्रेंथ को हम अष्टक वर्ग के द्वारा भी देखते हैं, उसके सामुदायिक अष्टक वर्ग की स्थितियों से या ग्रह के भिन्नाष्टक वर्ग में जो उसको शुभ बिंदु मिलते हैं उनके द्वारा भी हम ग्रह की पावर को देखते हैं। लेकिन जो स्थूल तरीके से जो देखा जाता है और जो बहुत कारगर होता है, इसकी बहुत पैना, मतलब आप यूँ समझे कि उसका उसकी जो उसका आउटपुट है वो काफी पैना माना जाता है। आप तो कोई बोलिए कुछ, मेरे ख्याल से मैंने लॉस्ट दी साउंड। अच्छा मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है। हाँ तो मैं जैसे आपसे बता रहा था कि जो ज्योतिष को समझने के लिए जो इक्वेशन थ्योरी है उससे बढ़िया कुछ नहीं होता, और इसका प्रभाव जीवन के अंदर बहुत स्ट्रांगली दृष्टिगोचर होता है, न केवल दशा के समय भाव की स्ट्रेंथ को समझने के लिए भी। जैसे आप यूं समझिए कि एक भाव का स्वामी भाव से कहाँ बैठा हुआ है, और वो दो भावों का स्वामी होगा अगर पांच ग्रह हैं उसमें से एक भाव से हो सकता है कि वो खराब बैठा हो, षडाष्टक हो, दूसरे भाव से वो पंच नवम हो। अब जैसे शनि के केस में इस तरह की स्थिति हो सकती है कि शनि जो है मकर राशि से तो पंच नवम है, 5 और 9 इक्वेशन पे बैठा है, मतलब वो 9th बैठा है, और वो कुंभ राशि से अपनी दूसरे भाव की राशि से वो षडाष्टक हो गया। तो जिस भाव से वो षडाष्टक होगा उस भाव के जो सिग्निफिकेशन हैं, उस भाव के जो कारकत्व हैं, उनमें स्ट्रगल की स्थितियों को दिखाएगा। कुटुंब में अगर सपोज कुटुंब में अगर वो राशि फॉल कर रही है तो कुटुंब के अंदर कोई ना कोई वो स्ट्रगल की स्थितियां, छठे के सिग्निफिकेशन और अष्टम की स्थितियां की उस व्यक्ति का तो अध्यात्म में चले जाना या उस व्यक्ति का पूर्ण रूप से इंडिफरेंस में चले जाना उस भाव से निकलने वाली चीजों के प्रति, या जो अष्टम से और जो अच्छी अच्छी चीजें आती हैं जैसे कि अध्यात्म आता है, गहराई आती है, तो वो उसके उस अध्यात्म में जाने के बाद वो हो सकता है कि उस भाव की जो सिग्निफिकेशन हैं या कारकत्व हैं उस भाव से आने वाले वो उसके लिए मीनिंगलेस हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि उस भाव से आने वाले कारकत्व उस व्यक्ति के जीवन में ही समाप्त होने लगे, मतलब उसको वो चीजें ब्लेसिंग्स के रूप में आना बंद हो जाए या वो उन चीजों को एंजॉय ना कर पाए। तो ये भाव के साथ में भाव का जो स्वामी है वो किस तरीके से बैठा है, कैसे इक्वेशंस बनाता है,
इस बात पे भाव की स्ट्रेंथ को देखा जाता है। और आपको आपको सुन के आश्चर्य हुआ कि आपके जो हमारे सुनील जी हैं वो इस इक्वेशन थ्योरी को ज्यादातर, मैं जब भी उनके साथ में बैठा हूँ या जैसे किंगडम और ड्रीम में भी मैं उनको ज्योतिष करते हुए देखता था, तो मैंने देखा जिस बात पे वो प्राइमरी फोकस करते हैं वो इसी तरह से भाव के इक्वेशंस पे, और इस तरीके से वो प्रेडिक्शंस करते हैं, उनके प्रेडिक्शंस अच्छे होते हैं। और मैंने भी देखा है कि इक्वेशन थ्योरी से किए जाने वाले जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो अच्छे होते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं कि लग्न से लेकर अब 12 के 12 भाव, अब लग्न का भाव तो लग्नवत है ही है, अगर आपको 12 भावों में के कैसे प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ेंगे, तो आपको क्या करना होगा कि आपको कुंडली को घुमाते जाना होगा। जैसे आपको द्वितीय भाव के सिग्निफिकेशन आपने देखे हैं, तो आप द्वितीय भाव को आप लग्नवत कर लीजिए सेकेंड हाउस को, और उसके बाद वहां से आप देखिए कि उससे ट्राइनल पोजीशंस पे, उससे ट्राइन मतलब 1, 5 और 9 में किस तरीके से प्लैनेट्स बैठे हैं, उस भाव का स्वामी किस इक्वेशन पे है। तो भाव का स्वामी भाव से सम सप्तम हो सकता है, जुड़ द्वादश हो सकता है, त्रि एकादश हो सकता है, चतुर्दशम हो सकता है, या पंच नवम हो सकता है, या षडाष्टक हो सकता है। तो ये 6 स्थितियों में, यानी कहने का मतलब षडाष्टक होता है या तो भाव से छठा बैठा हो या भाव से अष्टम बैठा हो, तो वो षडाष्टक इक्वेशन उसको बोलते हैं। अगर भाव से वो पंचम बैठा है या नवम बैठा है तो पंच नवम स्थिति की इक्वेशन मानते हैं। ये बहुत ही बहुत शार्पन्ड एक टेक्निक। इस टेक्निक को आत्मसात कर लेने के बाद अगर आपको एक प्रामफेसी, अगर आप पहले अपने मनस्पटल पे अगर आप ये नहीं बनाएंगे छवि कि उसको भाव से कैसे सिग्निफिकेशन मिल रहे हैं, तो फिर आगे की जो जो पहले मैंने आपको थोड़ी टफर टेक्निक्स बताई हैं वो सारी की सारी जो है वो डिफरेंट वेज टू अराइव एट वेरी साउंड जजमेंट ऑन दशा से, तो वो टेक्निक्स जो है वो उतनी कारगर आपके लिए नहीं हो पाएंगी। पहले आपको पहले स्थूल वे में आपको समझना होगा कि इस भाव का स्वामी भाव से कैसे बैठा हुआ है। इसी प्रकार से दशा के अंदर भी आप देखेंगे, जैसे भाव का स्वामी जब भाव से जिस इक्वेशन पे होता है उस भाव के संदर्भ में उस इक्वेशन को एक्टिव माना जाता है। जैसे कोई भाव है, सपोजिंग आप ऐसे समझ लीजिए कि यंगर सिबलिंग हम तृतीय भाव से देखते हैं, और तृतीय भाव से हम व्यक्ति का साहस भी देखते हैं, और तृतीय भाव से ही हम व्यक्ति के परफॉर्मिंग आर्ट्स भी देखते हैं, राइटिंग कैपेबिलिटीज। सपोज तृतीय का स्वामी सम सप्तम बैठा है, सम सप्तम का मतलब है या तो तृतीय भाव पे बैठा है या वो तृतीय से सप्तम पे बैठा है और तृतीय को दृष्टि दे रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसके यंगर सिबलिंग्स के साथ उसके साहस की स्थितियां और उसकी अपनी जो किसी तरह की जो उसकी विधा परफॉर्मिंग आर्ट्स की या उसके राइटिंग कैपेबिलिटीज या उसके बोलने का कम्युनिकेशन वगैरह, इन सब में आप देखेंगे कि बहुत अच्छे प्रभाव दृष्टिगोचर होंगे। तो उसको लग्नवत कर लेने से एक तो जो इक्वेशन में वो होता है उस इक्वेशन के आने वाले भाव, मतलब आप समझिए कि उन भावों को एक्टिव उस भाव के संदर्भ में माना जाता है। सपोज यही षडाष्टक बैठा हो, तृतीय भाव का स्वामी अपने से छठे बैठा हो या अष्टम बैठा हो, तो अगर छठे बैठा होगा तो यंगर सिबलिंग्स के साथ में एक डिस्प्यूट की स्थिति, या यंगर सिबलिंग्स को जो नेक्स्ट टू हिम जो आ रहा है उसको रोग की स्थिति में या डेट्स की स्थिति में उतार देगा। इसी प्रकार से अगर अष्टम बैठा होगा तो इंडिफरेंस की स्थिति, क्योंकि अष्टम भाव से टर्मिनल सिचुएशंस देखी जाती हैं, या हो सकता है कि उसको कोई यंगर सिबलिंग मिले ही ना, या उसके बाद में जिसका जन्म हो वो मिसकैरेज या अबॉर्शन हो जाए। तो आप ये समझिए कि भावों के सिग्निफिकेशन आपको अगर याद हैं तो भाव के स्वामी का जो इक्वेशन है उसको आपने तुरंत आपने पकड़ लेना है कि इस भाव का कनेक्शन इस इक्वेशन के संदर्भ में इन भावों से बनता है। जैसे पंच नवम है और सपोज माता के भाव का स्वामी अपने से पांचवें बैठा हो या अपने से नवम बैठा हो, तो आप ये समझे कि
नवम में बैठेगा तो बड़ा धार्मिक, माता को बहुत धार्मिक उदार, और उसी प्रकार से गुरुओं का, परहित पुरोहित लोगों का, ब्राह्मणों का, उनकी और तीर्थ यात्राएं करना, तो जो नाइन्थ से जो चीजें आती, और उसी प्रकार से पांचवें में अगर बैठेगा तो वह शिक्षा के प्रति, उनको एजुकेशन के प्रति, बच्चों के प्रति एक लगाव की स्थितियों में वो आप देखेंगे। हाँ विश्वनाथ साहब। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए सर। जैसे सप्तम का स्वामी बाहर में बैठे भाव में बैठे हुए हैं तो द्विद्वादश संबंध बनता है। अब सर जो भी अगर सेवंथ भाव की जो सिग्निफिकेशन है वो तब तक प्रॉब्लम में नहीं आएंगे जब तक सेवंथ हाउस वाले प्लैनेट की जो बारहवा बैठा उसकी दशा नहीं आएगी। नहीं, ये असल में क्या है, देखिए सेवंथ हाउस से सिर्फ वही नहीं आता, सेवंथ हाउस से जो है आपका दैनिक रोजगार आता है, मतलब डे टू डे में आप अपने आप को चादर तान के आप सोते हैं कि आप बहुत इंडस्ट्रियस होके आप मेहनत से काम करते हैं, डिसिप्लिन के साथ में आप इवन पढ़ाई के दौरान आप वो डिसिप्लिन पढ़ाई का दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। ये हमारा जो है दैनिक रोजगार जो बोलते हैं, डे टू डे जो हमारा दिनचर्या का जो हमारा वो होता है, वो भी सप्तम भाव से देखा जाता है। वैसे तो आप सप्तम भाव से आप पॉलिटिशियंस का देखें तो उनकी दिनचर्या तो वैसे किसी का काम कराना, फिर पब्लिक एड्रेस में जाना, डिप्टी कमिश्नर का आप देखें तो वो भी उसको जो है अपने ऑफिस दोपहर मंत्रियों के ऑर्डर्स लेना, और उसके अलावा अपने माथहत लोगों का, पुलिस का एक दूसरी दिनचर्या है। तो ये जो आपका जो दैनिक जो आपका कार्यकल्प होता है वो भी सप्तम बताता है, फिर आपके पार्टनरशिप बताता है, और इससे सप्तम से एक बहुत आपको अहमियत से जो चीज दिखाई पड़ती है वो है पब्लिक आपको किस प्रकार परसीव करती है, पब्लिक आपके बारे में क्या परसेप्ट है। तो आप बचपन में आपकी पब्लिक कौन है, आपके आपके घर के सदस्य हैं, आपके माता पिता हैं, आपके घर में दादा दादी नाना नानी आपके रिश्तेदार हैं जो आपसे बहुत करीबी रूप से जुड़े हुए हैं, तो वो आपकी पब्लिक हो गई। जब आप वर्क प्लेस में जब आप एकेडमिक्स में जाते हैं तो आपके सहपाठी हो गए, जब आप वर्क में जाते हैं तो आपके कार्य से संबंधित जो आपके सहपाठी कलीग्स हैं वो आपके उनका परसेप्शन आपके बारे में, वो क्या इमेज आपके बारे में रखते हैं, वो कितना आपको इज्जत देते हैं, कितना आपको डिग्निफाइड मानते हैं, कितना, कई बार आप देखते हैं कुछ कलीग्स जो हैं किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि ये तो बहुत कंजूस है या स्टिंजी है, या कहते हैं वो बहुत टेम्परमेंटल है, एंग्री है, तो वो जो एक परसेप्शन क्रिएट होता है वो भी सेवंथ हाउस को गवर्न करता है। फिर जब आदमी विवाह के समय आ जाता है तो सेवंथ हाउस से उसका स्पाउस या उसका लाइफ पार्टनर, और बिजनेस में अगर उसने कोई पार्टनरशिप की है तो भी सेवंथ हाउस से देखा जाएगा। अब आपका जो इक्वेशन है वो वहां से दृढ़ द्वादश, आपको ना इसमें दो बातें आपको समझनी होंगी। द्वादश का मतलब अपने से बारहवें चला गया। एक तो ये जब भी कभी इक्वेशन थ्योरी लगाई जाती है तो इसको हमेशा लगन कुंडली से पहले देखा जाता है कि लगन कुंडली के कुछ भाव शुभ हैं और कुछ भाव अशुभ हैं। तो आप ये एक बात ये समझिए कि हम जब भी कभी कोई एडवांस लेवल पे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम पिछली को अनलर्निंग के लेवल पे नहीं ले जाते। लग्न कुंडली से ज्यादा बड़ा सच आपके जीवन में कुछ भी नहीं, क्योंकि मदर ऑफ ऑल चार्ट्स है। अब आगे की एक क्लास में आपको डिविजनल चार्ट्स के बारे में कुछ एग्जांपल दिए जाएंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सप्तांश जो है वो वही आपके बच्चों को डिफाइन करेगा, और अब आपकी लग्न कुंडली जो है वो रिडंडेंट हो गई, इनफ्रक्टस हो गई, नल एंड वॉइड हो गई। अब वो संतान के लिए तो बस आपको जो एक नई विधा आ गई है सप्तांशा बच्चों को देखने के लिए, तो अब आप लगन कुंडली को भूल जाएंगे। नहीं, हमारा सब्जेक्ट जो है अनलर्निंग वाला नहीं है, बेस की चीजें जो है वो बहुत शाश्वत सच रहेंगी, हमेशा रहेंगी। तो अब जैसे मदर ऑफ ऑल चार्ट से हमारा लगन कुंडली है, तो आप ये देखिए लगन कुंडली के अंदर में कुछ भाव शुभ है और कुछ भाव अशुभ है। अब चूंकि आपने जैसे बताया कि सप्तम का स्वामी अपने से बारहवें गया है तो आप ये समझ गए कि ये दुख स्थान पर आ गया है। तो दुख स्थान से इसका संबंध बहुत
स्ट्रांगली बनता है। लेकिन मैं आपको ना इसको इक्वेशन थ्योरी को एक एग्जांपल से डिफाइन करूंगा। जैसे मेरे एक क्लाइंट हैं जो कि प्रॉपर्टीज के बड़े जबरदस्त इन्वेस्टर हैं, उनका चतुर्थ का स्वामी मतलब कर्क लगन के हैं, तो चतुर्थ भाव में क्या है, तुला राशि के जो स्वामी हैं वो अष्टम भाव में बैठ गए, यानी कि कुंभ में बैठे हैं अष्टम भाव में। तो लेकिन चतुर्थ भाव से कैसे हुए, वो नव पंचम हो गए, है ना, पंच नवम हो गए, अपने से पांचवे चले गए। तो फिफ्थ हाउस जो है वो एक आदमी के मैनेजमेंट का, इंटेलिजेंस का है, तो मैनेजमेंट ऑफ फंड्स भी फिफ्थ से आते हैं, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट है। तो उन्होंने अपने पोर्टफोलियोस को डिवाइड किया हुआ है शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में और प्रॉपर्टीज में। अब देखिए सबसे बड़ी बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो कैसे लगन कुंडली से बड़ा कोई शाश्वत सच आपके जीवन में नहीं है। अब वो लगन कुंडली से कहां चला गया, अष्टम में चला गया। अष्टम भाव की एक न्यूसेंस वैल्यू है। न्यूसेंस वैल्यू क्या है कि वो टर्मिनल एक्सीडेंट्स, टर्मिनल डिजीजेस और स्लीजीनेस और कुछ आपको परेशान करने वाली चीजें, कैपिटल गेन्स इस तरह की चीजों का भी है। और चूंकि एक दुख स्थानों में एक वृहद दुख स्थान है, तो ये परेशानी का वो सबब आपको क्रिएट करता है जिसमें कि आपको डिप्रेशन हो सकता है। आप समझ गए मेरी बात। तो परेशानी में आपको ना उतना उतार के ला सकता है जितने में आपको काफी डिप्रेस सिचुएशन लाइफ के अंदर आ जाए। तो इनके साथ में क्या होता है, विष्णु सब मैं बस एक मिनट में समाप्त करूंगा फिर आपकी बात सुनूंगा। तो जैसे इनके साथ क्या होता है कि अष्टम के इनको पूर्ण रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो इनकी कई बार पुलिस में इनको जाना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा, बिल्डर्स के साथ, बिल्डर्स जो इनको प्रॉपर्टीज, कुछ तो बिल्डर्स ऐसे थे जो कि डिफॉल्टर थे, तो उनके अगेंस्ट इनको पुलिस में जाना पड़ा और इनको कोर्ट की मदद लेनी पड़ी। लेकिन चूंकि चतुर्थ से तुला चूंकि मूल त्रिकोण राशि है, वहां से वो पंचम बैठा था, और प्लैनेट की जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा उसकी मूल त्रिकोण राशि से शुभत्व में आने से गिनी जाती है। तो चूंकि वो मूल त्रिकोण राशि तुला से पंच नवम था, इस वजह से इनको बहुत झगड़े झंझट के तो सबब लगन कुंडली से अष्टम होने की वजह से मिले। तो ऐसे करीब 30% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इन गाजियाबाद, गुड़गांव और इन कुंडली और इवन करनाल, तो वो उनमें इनको फंसने का योग हुआ। लेकिन इनको कोई ना कोई पुलिस में कोई हेल्प कर देता था तो वो बिल्डर से इनको पैसा भी मिला, तो साथ में इंटरेस्ट भी मिला। कोर्ट से इनके फेवर में हमेशा जजमेंट्स हुए, तो वो झगड़े झंझट तो पूरे अष्टम के आए कि उन्हें कोर्ट कचहरी का उनको वो सब वकील करना पड़ा, खर्च करना पड़ा। लेकिन कोर्ट ने हमेशा इनको एक बहुत ही डिसेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अवार्ड किया, जो कि और प्लस कॉस्ट ऑफ दी कॉस्ट ऑफ लीगल कॉस्ट वो भी अवार्ड। तो अगर और कई बार जो डिलेड जो पोजीशन जो बिल्डर्स ने इनको दिए प्रॉपर्टीज के, उसमें चूंकि ज्योतिष कराते हैं मुझसे, तो वो सारी चीजों को मतलब खुलासे के साथ बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि कई बार बिल्डर्स इतना थ्रेटन फील करते थे उनके मूवमेंट्स को, एक्शंस को लेकर, कि वो सीक्रेटली अपने एग्जीक्यूटिव को भेज कर इनसे, ताकि ये कोर्ट में ना जाएं या पुलिस में ना जाएं, तो वो सीक्रेटली उनको कॉम्पनसेशन अमाउंट, जैसे उन्होंने सपोजिंग इफ द डिलेड पोजीशन ऑफ द हाउस बाय से 6 months, तो उन्हें करीब करीब उनको 8 या 9 महीने का इंटरेस्ट उन्होंने उनको एक्स्ट्रा चुपचाप जाके सीक्रेटली जाके दे दिया, क्योंकि अष्टम भाव ना सीक्रेसी का भी भाव है, सीक्रेट हैपनिंग्स का भी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अब आप ये समझ जाएंगे कि जब भी कभी किसी भाव का स्वामी, जब आप उसको भाव को लग्नवत करेंगे, और पहले तो आपने उसको लगन कुंडली में उस भाव के स्वामी की स्थिति को पकड़ना है, और उसके जो रिजल्ट आने हैं उनको पहले आपने बयान करना है, उसके बाद आपने उसी चीज को
उस भाव को लघुवत करके उसके स्वामी के रिजल्ट्स को आपने फिर देखना है, और आप ये पाएंगे कि दोनों के दोनों, क्योंकि नथिंग गेट्स ओवर रिटन इन एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि कुछ भी ओवरराइट नहीं होता। शाहरुख खान का सूर्य अगर नीच का है कृति में, तो उनके पिता की मृत्यु काफी अर्ली हो गई थी, जब वो उनको फौजी सीरियल मिला था उस समय उनके पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन चूंकि उसका नीच भंग है तो शाहरुख खान फ्रॉम द टाइम ही एंटर्ड द मूवी वर्ल्ड उनको नीच भंग राजयोग का पूर्ण असर मिला। लगन मतलब आप समझे कि वो एक लगन के स्वामी का तृतीय में जाकर उसका नीच भंग हो जाने का, तो आप देखिए वो जो भी रोल वो करते हैं उसके अंदर एक प्रावस होती है। प्रावस का मतलब उनके बात करने का तरीका, वो एक तरह से लगता है कि वो एक दमदार उसका अभिनय कर रहे हैं, मतलब उनको वो स्ट्रेसफुल अनुभव कर रहे हैं। अब आप बताइए। सर मैं कह रहा हूँ दो पार्ट रहेंगे, मतलब जो जब आदमी पैदा हुआ उस टाइम का जो इफेक्ट है वो आएंगे, जैसे फादर को लेकर आए उनके इफेक्ट, मतलब उनकी अपनी जिंदगी में उस प्लेनेट की पोजीशन जो है उसके रिजल्ट दशा दशा के मुताबिक तो रहेंगे सर। हाँ नहीं देखिए ये बात तो आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं, क्योंकि दशा के दौरान घटनाएं होती हैं, नोटेबल इवेंट्स होते हैं, तो इस बात पे तो कोई दो राय नहीं कि जिस समय उस व्यक्ति को उस चीज की दशा चलेगी, उस ग्रह की विशेष की दशा चलेगी, तो उस भाव से संबंध जो रिजल्ट्स हैं वो, अब जैसे दुर्द्वादश हो जाना पत्नी भाव का या पति भाव का, दुर्द्वादश हो जाने का मतलब होता है लॉस में चले जाना। तो आप ये समझिए कि विवाह होगा और विवाह होने के बाद में, अब ये इसमें हमेशा ना ज्योतिष के अंदर जो बातें देखी जाती हैं वो ज्योतिष को लोग असल में सिंप्लीफाई वे में क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि वो जो सिस्टमेटिक अप्रोच टू सर्टेन कॉम्प्लिसिटीज ऑफ ज्योतिष है उनकी उनका वो पकड़ नहीं पाते। जबकि आप एक बात देखिए कि आम जिंदगी में हम उतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बड़ा सिंप्लीफाइड वे में पकड़ते हैं, जैसे यहाँ पे लेडीज हैं जो कि कुकिंग करती हैं घर में या चाय बनाती हैं, कोई व्यंजन बनाती हैं, अगर आप उसको ना एक तरह से रेसिपी को अगर आप उसके ऑर्डर्स को राइट डाउन करेंगे, तो अगर आप पहली बार अगर आप एज ए कुक एंटर कर रहे हैं तो आप कहेंगे बाप रे बाप इतना करना पड़ता है इनको, मतलब इतना धीमी आंच में और फिर तेज आंच में और फिर प्रेशर कुकर कब यूज होना है और कब कढ़ाई यूज होनी है, कब पतीला यूज होना है, मतलब आप ये समझिए कि ये कितना बड़ा एक आइंस्टीन वाला एक विषय हो गया कि किस चीज को हमने प्रेशर कुकर में पकाना है, किसको पतीले में पकाना है, किसको हमने कढ़ाई में पकाना है, तो दिमाग एकदम चकरा जाए। लेकिन आप देखिए ना उतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को महिलाएं कितनी सुगमता से करती हैं। अब हमारे ज्योतिष में भी क्या है कि मैंने आपको जैसे बताया कि ये हर ग्रह अपने संबंधों के द्वारा जाना जाता है, तो आपने जैसे कोई ग्रह देखा तो उसका पहला संबंध क्या बना कि अगर वो किसी ग्रह के साथ में अगर बैठा है तो पहला संबंध हो गया म्यूचुअल एस्पेक्ट में, तो दूसरा संबंध हो गया, एक तीसरा संबंध ये हो गया कि वो उसका डिस्पोजिटर से उसका इंट्रिंसिक संबंध है, और मैंने आपको बताया कि किसी भी ग्रह से केंद्र में अगर कोई ग्रह है तो वो भी एक संबंध है। तो आपने पहले तो अपने संबंध देखे, तो उसमें जो डायरेक्ट रिफ्यूज संबंध ऐसे हैं जो कि इनडायरेक्ट हैं, तो वो चाहे आप इग्नोर भी कर दे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो डायरेक्ट संबंध है जैसे कंजंक्ट प्लैनेट का है, एस्पेक्ट्स का है, अब आपको मालूम है कि बेनिफिक एस्पेक्ट है या उसमें मैलिफिक एस्पेक्ट है, फिर ग्रह की एक अपनी विशेषता है कि ग्रह या तो फंक्शनल बेनिफिक है या फंक्शनल मैलिफिक। अब इनकी जो ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर्स अगर आप उसको भूल जाते हैं तो उसका मतलब है कि आप एफर्टलेस काम नहीं कर पाएंगे, और ये चीज एक एफर्टलेस बन जाती है कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको आप बार 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 इस्तेमाल करने लगेंगे, तो जैसे महिलाएं जो व्यंजन इतना अच्छा बना लेती हैं उतनी सुगमता के साथ आपके भी प्रेडिक्शन होने लगेंगे। आपने आपकी ना बात
स्टैटिक चली गई, मतलब कट गई। आपने क्या बोला आपका पहला सेंटेंस? मैं कह रहा हूँ सर, जितना बेसिक से हम रहेंगे उतना ज्यादा बढ़िया प्रेडिक्शन कर पाएंगे, मतलब सिंपलिसिटी रखेंगे प्रेडिक्शन में तो इजी रहेगा, अनलेस एंड अंटिल कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे तो फिर दिक्कत रहेगी, समझ ही नहीं आएगा कुछ कहाँ पहुंच गए। देखिए जी, ऐसा है कि सिंपलिसिटी के अलावा एक प्रोसेस भी होता है। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे परिवार के अंदर हम हर एक को आइडेंटिकली ट्रीट नहीं करते, जैसे हम बच्चों को जब हम ट्रीट करते हैं तो कुछ डिसिप्लिन वहां पे हम लेके आते हैं और कुछ हम वहां गाइडेंस लेके आते हैं। लेकिन जब हम अपनी पत्नी को हम देखते हैं तो कंपेनियनशिप का एक ट्रीटमेंट लेके आते हैं, प्रोटेक्शन का ट्रीटमेंट लेके आते हैं। तो उसी प्रकार जब हम अपने पिता के सामने खड़े होते हैं तो हम श्रद्धा और नमन का एक बर्ताव लेके आते हैं, और फिर हम जजमेंटल नहीं होते पिता के साथ में कि वो बात उन्होंने कोई बात बोली है तो वो कितनी लॉजिकल है। क्योंकि अगर हम जजमेंटल हो गए कि अगर हमने पिताजी को बोल दिया कि आप लॉजिकल बोल रहे हैं, तो क्या होता है कि हम नमन के भावना से उनके सामने खड़े होते हैं, श्रद्धा के भावना से खड़े होते हैं। मैं आपको ऑप्टिमाइज्ड बेटर रिलेशनशिप की डेफिनेशन में बता रहा हूँ। अब ऐसे तो मैंने देखा कि लोग जो हैं अपनी पत्नी के साथ भी डिसिप्लिनेरियन हो जाते हैं, जो कि अप्रोप्रिएट बिहेवियर ट्रेंड्स नहीं है, और वो डिसिप्लिन की बात जो है वो अपने बच्चों के साथ। और उसमें भी चाणक्य की नीति में कहा गया कि 16 वर्ष के बाद आप उसे अपना मित्रवत मानिए बच्चे को। तो अब मैं भूल गया, पहले तो मुझे पूरा याद था कि लाड़िए, मतलब वो पहले वो कहते हैं कि इतने वर्ष तक आप उसको, 6 वर्ष तक मतलब प्यार कीजिए, फिर उसको उसको आप जो है डंडे से भी आप उसको थोड़ा डरा के रखिए, फिर 16 वर्ष के बाद आप उसको मित्रवत उसके साथ व्यवहार कीजिए। तो चाणक्य ने एक बड़ा अच्छा स्टैंजा उसमें लिखा हुआ है। तो भाई आपका कहने की बात का आंसर मैं देना चाहता हूँ कि सिंप्लिसिटी वाली बात को तो मैं एग्री करूंगा, लेकिन सिंप्लिसिटी के अलावा एक डिग्निटी वाली जो बात है वो एक प्रोसेस की डिग्निटी होती है, उसको आप वहां से नहीं आप उसको खत्म कर सकते। तो वो जो ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी ग्रह है तो प्राइम फेसी पहले आपको संबंध तो देखने पड़ेंगे, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो राजयोग बना रहा है कोई या नहीं बना रहा है, फिर आपको ये देखना होगा स्टैटिक में वो कितना प्रभावशाली है। स्टैटिक का मतलब है जब आप डायनेमिक चार्ट की बात कर रहे हैं तो दशा की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ग्रह का सिर्फ दशागत ही प्रभाव है? ग्रह का तो दोनों ही तरह से प्रभाव है। ग्रह का प्रभाव आपको दिखाई पड़ता है उसमें भी, जो स्टैटिक में भी दिखाई पड़ता है, मतलब एक व्यक्ति के टेम्परामेंट में या उसको किस तरह से वो कितना वो जीवट का है, कितना वो फाइटिंग फिट है, कितना वो डिसिप्लिन में है, कितना तो छठे हाउस को ही अगर आप देखेंगे तो कितना रुगण है या कितना वो कॉम्पिटिटिव है और कितना वो अच्छा है सॉफ्ट शरीर का है, क्योंकि छठे का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सब में बनेगी और कितना कॉम्पिटिटिव है। चलिए अब मैं आपको शेयर करता हूँ। तो मैंने आपको जो बैकग्राउंड आपको बताया है वो अब आप समझ गए होंगे। अब इन दोनों में जैसे भाव की जो इक्वेशन है वो एक बहुत बड़ा सूदिंग इफेक्ट है। जैसे मेरे पास में बहुत से बड़े अधिकारी आते हैं जिनके की अष्टमगत ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य और शुक्र जो है, मैंने आपको अभी बताया था जो लड़के यहाँ पे जो डीसीपी थे अभी, उनकी अपनी कुंडली में सूर्य और शुक्र अष्टम के, इसी प्रकार से सचिन तेंदुलकर के सूर्य और शुक्र अष्टम के। लेकिन अगर आप दशम भाव को अगर आप लग्नवत करते हैं तो ये कहाँ चला जाता है? अष्टम का प्लैनेट लाभ में, लाभ की स्थिति में चला गया। सचिन सचिन को आप देखिए सन से आने वाले सिग्निफिकेशंस में, और उसी प्रकार से जो नेम फेम है एक्युलेट्स हैं उसमें, और शुक्र में भी आप अगर स्पाउस को भी देखें तो उनको एक काफी अच्छी स्पाउस मिली है और बहुत उनके मधुर संबंध है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी ये बात का भी आपको पूर्ण प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन पे मिलेगा और अष्टमगत होने का भी प्रभाव उसको मिलेगा। अष्टमगत होने का प्रभाव यही था कि आप ये कह सकते हैं कि स्पाउस को वो टाइम नहीं दे पाए, थ्रू आउट करियर वो चूंकि विदेशों में ट्रैवल करते रहे सचिन तेंदुलकर। तो अब नेक्स्ट कुंडली जब हम करेंगे तो आपको इस बात में ज्यादा आपको पता चलेगा, तो अपनी पत्नी को उतना समय नहीं दे पाए, ये राउंड द ईयर उनके कोई ना कोई टूर्स जो है चलते थे। तो अब मैं आपके सामने टेम्पलेट लेके आता हूँ। हाँ जी,
सर अष्टम भाव को लेकर एक नियम है कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, तो इसके पीछे क्या फिलॉसफी रीजन हो सकता है सर? देखिए ऐसा है कि ल्यूमिनरीज जो है ना वो आयु के पिलर माने गए हैं। ल्यूमिनरीज जो होते हैं मतलब जब भी आप पूर्णायु निकालते हैं तो पूर्णायु को निकालने का जो तरीका है उसमें अहमियत दी जाती है सूर्य चंद्र और लग्नेश और उसके अलावा अष्टमेश और अष्टम भाव का कारक शनि। तो ये वैसे 6 पॉइंट्स देखे जाते हैं जैसे लग्ना लग्नेश और सूर्य चंद्र अष्टमेश और शनि, ये इस तरीके से पूर्णायु देखी जाती है। तो सूर्य चंद्रमा को आयु का पिलर माना गया है। दूसरा सूर्य चंद्रमा दोनों ही अध्यात्म के क्षेत्र के और गहराई में उतरने वाले ग्रह माने जाते हैं। सूर्य का थोड़ा फर्क है, वो हठ योग से है, एब्स्टिनेंस से है, उपवास से है। एब्स्टिनेंस का मतलब छोड़ देना, मतलब जैसे कहने का मतलब सूर्य जो है महात्म्य का कारक है और सूर्य चूंकि ऋषित्व का कारक है, वाणप्रस्थ का कारक है, तो ये अष्टम भाव है किस चीज का, ये गहराई का भाव है। सारे के सारे भावों को 11 भावों को आप जो है स्केल को यूं रख लीजिए कि आपने गंडे को आपने प्लेटफॉर्म पे रखा और वहां से आप नापते। आपने दसम भाव को आपने नापा तो आपने कहा ये जो बाइडेन का जो दसम भाव है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग तक ये फ्लैग पोस्ट जा रहा है, और आपने उसी तरह का मोदी जी का जो है दसम भाव है वो उसका हाफ ऑफ द बिल्डिंग तक जा रहा है एम्पायर स्टेट की, और कोई चीफ मिनिस्टर है तो उसका दसम भाव जो है 25% तक जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि सारे के सारे जो भाव हैं उन भावों के सिग्निफिकेशन को लेकर उन्हें हमेशा ग्राउंड लेवल से हम काउंट करते हैं, लेकिन जो अष्टम भाव है वो गहराई का भाव है, उसे हम गहराई में देखते हैं। तो चूंकि गहराई का भाव है तो उसकी गहराई बिल्कुल समुद्र की तरह की गहराई, इसलिए आप देखिए जो लोग भी अध्यात्म के क्षेत्र में चाहे हठ योग से ईश्वर प्राप्ति में जाते हैं या भक्ति योग से जाते हैं या वो ध्यान योग से जाते हैं, अथवा ध्यान योग को आप राजयोग भी कह सकते हैं क्योंकि ध्यान धारण समाधि, इनके ग्रह कौन है? देखिए इसमें एक ग्रह एक सूर्य का वर्चस्व है उसमें अगर आप जाते हैं हठ योग के द्वारा, क्योंकि सूर्य जो है महात्म्य का कारक है, जो छोड़ देने का कारक है, वो डिजायरलेसनेस की स्थितियां पैदा करता है। तो इसलिए आप देखिए सूर्य का एक प्रबल स्थिति होने से आपकी जो क्षणिक प्लेजर्स की जो डिजायर्स होती है वो खत्म हो जाती है। अब ये अष्टम भाव से कंपेटेबल हो गया, बहुत कंपेटेबल हो गया, और ये भी आपको उस ईश्वर प्राप्ति का, और क्योंकि ये आयु का एक प्राइमरी प्लैनेट है तो इसलिए यहाँ पे वो शुभत्व रखेगा। दूसरा आप देखिए चंद्रमा क्या है, चंद्रमा ही मन की गहराइयां हैं, और जब आप भक्ति योग से अगर आप जाते हैं तो चंद्रमा ही वो गायन है जो हम अपने ईस्ट के प्रति जो हम श्रद्धा और नमन के साथ हम गाते हैं वो गायन भी उसी चंद्रमा का है। और जब हम ध्यान में जाते हैं मेडिटेशन में जाते हैं और हम अपनी कुंडलिनी को जागृत करते हैं या इंटरनल ट्रैवलिंग पर जाते हैं अपने स्वास्थ्य के रास्ते, तो हम गहराइयों में उतरते चले जाते हैं, तो वह अष्टम भाव है। और अष्टम भाव से एक ऐसी नींद आती है जो सर्वाधिक गहराई की नींद है, मतलब जिस समय जो आत्मा छोड़ के चली जाती है और आदमी परमानेंट नींद में चला जाता है, उसी तरह की गहराइयों में आदमी ध्यान की समाधि में जा सकता है। सब हम लोग करते नहीं है, अगर हम करें, अगर हम कई बार हमको बड़ा फनी सा लगता है कि भाई ये कपालभाति है, भस्त्रिका है, या उसी तरीके से अनुलोम विलोम है, या स्वर साधना है, तो हमें एक लगता है कि क्या ये रूडिमेंट्री है, हमारी लाइफ में देर आर बेटर थिंग्स टू डू। लेकिन अगर सपोजिंग किसी व्यक्ति का अष्टम भाव स्ट्रांग होगा या उसके चंद्र बहुत स्ट्रांग होगा तो वो इन बातों को पसंद करेगा और वो उन गहराइयों में उतरेगा और वो उस तरीके से ईश्वर को प्राप्त भी होगा।
और उस गहराई में आएगा जो गहराई समुद्र की गहराई से भी ज्यादा गहराई है। और आप समझिए कि जो जब आप ये योग निद्रा में जाते हैं तो आपकी बॉडी उतने वाइटल्स आपके इतने सॉफ्ट हो जाते हैं जितने डेड बॉडी के हो जाते हैं। मतलब आपके आपके पल्स रेट कैन गो डाउन टू 53-50। मतलब योग निद्रा को में अगर आप एक अपना रूटीन बना लें कि आपने रात को सोने के 20 मिनट पहले आप योग निद्रा करेंगे, आप योग निद्रा करेंगे ना तो उसके बाद जब आप सोएंगे तो आप समझिए कि आपको हिला हिला के ही सुबह उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप असली नींद में भी जाएंगे तो उसमें उस गहराइयों पे चले जाएंगे जब आपकी पल्स रेट वगैरह एकदम से डाउन हो जाएगी। तो अब आपके प्रश्न का उत्तर ये हुआ कि ये जो ल्यूमिनरीज हैं ये अष्टम भाव से बहुत इंट्रिंसिकली कनेक्टेड है अपने सिग्निफिकेशंस को लेकर, और उस भाव के एक बहुत बड़े पिलर्स हैं, उस भाव को बहुत शक्ति प्रदान करने वाले ग्रह। इसलिए वहां पे ऋषि ने उन्हें कोई दोष नहीं, अष्टमेश का कोई दोष नहीं माना। तो उन्होंने कहा नरंध्रे सत्व दोष दोषस्तु सूर्या चंद्रमासो भवे। सूर्य चंद्रमा को रंध्रेश, अब रंध्र क्या हुआ, रंध्र जो है वो छिद्र है, वो गड्ढा है ये, और ये आयु के भी बहुत बेहतरीन ग्रह हैं, तो ये पिलर्स हैं। तो इसीलिए जब हम आयु कैलकुलेट करते हैं तो सूर्य अगर डिग्निटी में होता है तो हम उसे व्यक्ति को 20-20 पॉइंट्स अलॉट करते हैं, चंद्रमा अगर डिग्निटी में होता है फिर 20 पॉइंट्स। तो ये छह हमारी विमशोत्री दशा के साथ में कॉरेस्पॉन्ड करते हैं 120 पॉइंट। अब अगर आप ये कहें, रमेश वर्मा जी इसमें खुश हो रहे होंगे कि परसेंटेज एलोकेशन का हमेशा पूछते रहते थे, तो आप तक मैं टालता रहा हमारे रमेश वर्मा जी क्या परसेंटेज आप देंगे। तो मैं शुरू शुरू में मैं समझता था ये सरकारी अधिकारी तो नहीं है ये परसेंटेज की बात करते हैं। हाँ तो फिर 120 वर्ष की हो गई ना पूर्ण आयु। इधर अगर सरकारी अधिकारी बहुत हो गया है, सर अगर सरकारी अधिकारी भी है तो 20% तो बहुत हो गया, इतना तो कमाई नहीं है। अच्छा देखिए मैं आप लोगों के सामने ये लेके आता हूँ, इसको हम शेयर करके तो हम इसे पढ़ेंगे। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन गुरु जी, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है, अद्भुत। आज क्या बात है, डॉक्टर विनय शील नहीं आए? पता नहीं सर, फोन नहीं उठा रहा है, कुछ काम चल रहा है उसके यहाँ घर में। हाँ नहीं, हम उन्हें मिस करते। अच्छा देखिए, इक्वेशन थ्योरी जो दशा के इंटरप्रिटेशन की है, ये दशा एनालिसिस की बैकबोन मानी जाती है। मतलब आप ये समझिए कि आप कहेंगे कि आपने डिफिकल्ट टॉपिक्स को शुरू में पढ़ा के स्टूडेंट्स को भगा दिया, 38 में से 23-26 आने लगे, तो आपने सारे जितने डिफिकल्ट डिफिकल्ट दशा इंटरप्रिटेशन के थे उनको आपने शुरू की क्लास में आपने पढ़ा दिया, तो उससे लोग एकदम से पलायन कर गए, बड़े एकदम घबरा गए कि ये तो दशा तो बहुत ही डिफिकल्ट है। देखिए ऐसा है, आप हमेशा याद रखिएगा कि मेरा जो है, मेरी सोच ये है कि एक किसान है, एक किसान का सबसे डिफिकल्ट काम जो है वो खेती में जो शुरुआती काम होता है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। मतलब उसे जिस समय टिलिंग करनी होती है अपने फार्म को या अपने खेत को, सबसे ज्यादा पसीने वो बहाता है। लेकिन आप देखिए उसके बाद वो ग्रेजुअली जब उसमें पैदावार शुरू हो जाती है तो उसे खरपतवार निकालने के समय उसका वर्कलोड कितना कम होता है, कंपेयर्ड, हम रिलेटिव बात कर रहे हैं, उस प्रकार से जब वो कटाई होती है तो उस समय उसका वर्कलोड कम होता है, फिर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसमें ले जाने में उसका वर्कलोड बहुत सूदिंग होता है। तो देखिए मैं उसी तरीके से सोचता हूँ कि आपको, मैं तो ये सोच रहा था कि जैसे आर्मी में लोग ज्वाइन करते हैं तो आप देखिए सबसे टफ पीरियड उनका कब होता है, उनका टफेस्ट पीरियड होता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में उनको इतने रिगर्स दिए जाते हैं कि उसके बाद जो उनकी नॉर्मल ड्यूटीज होती हैं वो उनको केक पॉक लगती हैं। तो मैं इस तरह का एक शिक्षक हूं,
कि मैं आप लोगों को ना बड़ा मजबूत बनाना चाहता था, इसलिए मैंने वो टफ को इजी बनाते हुए आपको समझाया। अब आपके लिए केक बॉक्स आ रहे लेकिन ये उल्टा पड़ गया क्योंकि थर्ड हाउस उतना स्ट्रांग नहीं था। सर देखो वीडियो ना उल्टा करके तो वो क्या हुआ कि वो पहले उसमें ही काफी लोग डर गए। चलिए ठीक है। अच्छा तो इसे बैकबोन कहा जाता है, मतलब ये दशा एनालिसिस की जो इक्वेशन थ्योरी है ये इसका इसकी धुरी है दशा एनालिसिस की। और प्लैनेट का जो इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो है प्लैनेट की जो पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम लगन कुंडली से देखते हैं किस तरह से वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कैसे वो बैठा है, कितनी उसको पावर मिल रही है, शुभ भावों में पावर मिल रही है, अशुभ भावों के अंदर वो पावर को लूज कर रहा है। लेकिन जो है जो ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि उसकी जो प्लेसमेंट है वो भाव से कैसी है, भाव के स्वामी की, और वो भाव को दोबारा रिचार्ज कर सकता है, मतलब उसकी जो लॉस्ट पावर्स हैं उनको रीगेन करवा सकता है और भाव के बहुत अच्छे परिणाम व्यक्ति को मिलते हैं। इसका पॉइंट नंबर थ्री है कि बेनिफिट जो भी बेनिफिट प्लैनेट्स हैं और मैलिफिक प्लैनेट्स में मतलब बेनिफिक भाव हैं और मैलिफिक भाव हैं वो हम लगन कुंडली से काउंट करते हैं, तो उसी प्रकार से हम भाव कुंडली से भी काउंट करेंगे। जैसे हम भाव कुंडली को हम लग्नवत कर लेते हैं किसी भी भाव को, आपने अगर अष्टम के परिणाम देखने हैं, किसी आदमी का कैपिटल गेन देखना है या उसकी रिकवरी की पोजीशन देखनी है या बिकवाली देखनी है प्रॉपर्टी की, तो वह अष्टम से आती है। तो अष्टम भाव को लग्नवत करके आप ये देख लेंगे कि उसके शुभ भाव, उसका पंचम, उसका 159, उसके जो ग्रह हैं वो कब दशा में आ रहे हैं, तो बिकवाली करा देंगे प्रॉपर्टी की। और चूंकि वहां से रिकवरी ऑफ मनी भी देखा जाता है, तो जो भी लॉस्ट मनी होती है उसकी जो रिकवरी है वो भी अष्टम भाव का स्वामी उस पर अधिकार क्षेत्र रखता है। और इसी प्रकार से अष्टम भाव का कैपिटल गेन से एक संबंध है, जो कैपिटल गेन जो आप करते हैं। तो आपने क्या करना है कि अष्टम भाव को आपने उसकी आयु का तो गैर है ही, इनहेरिटेंस है ही मास्टर, और अष्टम से ही जो है ट्रेजर हंट भी देखा जाता है। तो अगर किसी को समथिंग फॉलिंग फ्रॉम हेवन लाइक ए मन्ना, अगर किसी आदमी को अचानक एक लॉटरी निकल जाए तो, या अचानक कोई ट्रेजर मिल जाए तो वो अष्टम का स्वामी दिलाता है, इसीलिए उसे सडन गेन और सडन लॉस का भाव कहा जाता है। तो अगर आपने वो सब चीजें देखनी है तो सडन गेन कौन सा देगा, उसको अगर आप लग्नवत करेंगे अष्टम भाव को, तो वहां से शुभ भाव जो बैठेंगे, जैसे ग्यारहवें का लॉर्ड है, जैसे ग्यारहवें में प्लेस्ड बेनिफिक्स हैं या मेलिफिक हैं, लेकिन ग्यारहवें में प्लेस जो भी ग्रह होंगे वो उसे सडन गेन्स देंगे। इसी प्रकार से पंचम नवम भाव में के जो स्वामी हैं वो चाहे नेचुरल मेलिफिक हों या नेचुरल बेनिफिक हों, वो अष्टम भाव से अगर पंच और नवम बन रहा है तो उसको व्यक्ति को गेनफुल रहेगा क्योंकि वो शुभत्व के भाव हो गए। इसी प्रकार से वहां से द्वितीय भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठेगा तो उसको अष्टम भाव से आने वाली जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि समथिंग विंडफॉल, जो एक विंडफॉल के रूप में, आप देखिए मेरे पास में ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो माइंस के ओनर्स हैं, उनका अष्टम भाव बहुत स्ट्रांग। इसी प्रकार से बहुत से लोग जो MMT जिनके क्वेरीज हैं या जो जो इस तरह का, जैसे किशनगढ़ वगैरह से भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो कि ग्रेनाइट्स वगैरह निकालते हैं, उनको पॉलिश करते हैं, फिर मार्केटिंग करते हैं, या वो मकराना का मार्बल निकाल के बेचते हैं, तो उनका अष्टम भाव बहुत स्ट्रांग है। ऐसे लोग जो तेल का कार्य कर रहे हैं उनका अष्टम भाव बहुत स्ट्रांग रहता है। तो इसलिए आप देखते हैं कि जो खाने वाला जो तेल है वो शनि के रेट्रोग्रेड होने में उसके दामों में बड़ा उछाल आता है, तो वो आप समझिए कि उसका उन लोगों का जो एक सट्टा चलता है उसमें, तो जो बैरल्स होते हैं या जो टैंकर्स होते हैं एडिबल ऑयल के, चाहे वो सरसों का तेल हो या
मस्टर्ड ऑयल हो, मतलब मस्टर्ड ऑयल हो या इसका सूरजमुखी का तेल हो, ये सब है। तो वो जयपुर के हमारे कुछ परिवार के लोग भी आते हैं, तो मैंने देखा कि वो हमेशा हमेशा इस बात को देखते हैं, शनि जब वक्री होगा तो हमें एकदम से उछाल मिलेगा, तो हम उस समय अगर अपने टैंकर्स को बेचेंगे, अपने उत्पादन को बेचेंगे, तो हमें काफी इसमें फायदा। तो ये सब अष्टम भाव से। तो आप क्या करेंगे, अष्टम भाव को आपने लग्नवत कर लिया, अब आपको सपोज कोई प्रॉपर्टी बेचनी है या आपके कोई पैसा आपका फंस गया है, उसकी रिकवरी करानी है, तो वहां से शुभत्व के भावों को आप एक राइट साइड में आप उसको, उन प्लैनेट्स को लिख लीजिए। तो उसमें सबसे ज्यादा शुभ क्या होगा कि अगर कोई सपोज शुभ भाव 159 जो ट्राइनल हाउसेज हैं उनका अगर प्लेनेट अगर बेनिफिक है, नेचुरल बेनिफिक है, फंक्शनल बेनिफिक तो यही है, तो वो केक वॉक देगा। तो अब आपने उसको लिख लिया सबसे ऑन द टॉप ऑन द प्रायोरिटी, मतलब आपको हायरार्की को आप बना लेंगे। वो अगर आपके आने वाले समय में वो दशा के अंदर आने वाला है, तो उस समय पे अगर आप उस अपने बिल्डर या उस अपने मित्र के पास में आप जाएंगे और आप कहेंगे यार मुझे पैसे की जरूरत है और आप 3 साल से आप नहीं दे पा रहे हैं, क्या आप कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि वो ग्रह बड़ा चमत्कार सा आपके सामने दिखाएगा। और वो कहेगा कि हाँ मुझे कल ही, मैं सोच रहा था आपके बारे में और मैं अभी आपको इतना दे सकता हूँ, 30% 40%, ये आपको इस तरह से। तो आपने क्या करना है कि उस भाव को लग्नवत करना है। तो ये भाव जो है 12 के 12 में से, मतलब 11 भावों पे भी ये लागू होता है उसको लग्नवत करके। तो मैंने थर्ड पॉइंट में आपको ये लिखा है कि जो बेनिफिक और मेलिफिक भाव होते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो मदर ऑफ ऑल चार्ट आपका लगन कुंडली है, तो लगन कुंडली से निर्धारण उनका होता है, लेकिन वो भाव से भी उनका निर्धारण किया जाता है, ताकि वो भाव के अंदर उसकी इक्वेशंस को देखते हुए कि वो ग्रह जो है वो अगर अच्छी इक्वेशन पे उस भाव से, तो वो उस भाव को बल प्रदान करेगा। और ऐसी जो दशाएं हैं जो कि शुभ भाव के, उस भाव से शुभ भावों की, प्रथम पंचम और नवम की हो, या कोई बेनिफिक प्लैनेट्स है जो कि केंद्र भाव में स्थित हैं, उस भाव से जो जिस भाव को हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे सिग्निफिकेशन उस भाव के देगा दशा के अंदर। और दशा जो है मेलिफिक भाव की कोई पड़ेगी अगर उस भाव से, या कोई मेलिफिक प्लैनेट्स अगर केंद्र में बैठे होंगे उनकी दशा पड़ेगी, तो उस भाव पर्टिकुलर भाव के सिग्निफिकेशन को हम करेगा। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा कि एक मैं एक डिप्टी कमिश्नर साहब की कुंडली को ऐसे ही 10th हाउस को लग्नवत करके देख रहा था, तो जबकि उनकी पोस्टिंग को सिर्फ 14 दिन हुए थे एज डिप्टी कमिश्नर एक जिले के अंदर, और अष्टम भाव पे उनका एक मेलिफिक प्लैनेट बैठा हुआ था, वो दशा के अंदर आने वाला था। अष्टम से मैंने आपको बताया सडन गेन एंड सडन लॉसेस देखे जाते भाव से, मैं दशम भाव से अष्टम की बात कर रहा हूँ जो कि पंचम भाव है, इसीलिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बाद वो आईएएस में निकले थे। तो मेलिफिक प्लैनेट जो है अगर वो पंचम भाव से संबंधित होते हैं तो वो आपको टीडीएस पढ़ाई देते हैं, जैसे मेडिकल हो गया या इंजीनियरिंग हो गया या चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गया, कॉस्ट वर्क्स अकाउंट हो गया, तो जितने भी टीडीएस सब्जेक्ट्स हैं वो मेलिफिक प्लैनेट्स पोसाइटेड ऑन दी 5th हाउस वो देते हैं। जैसे अगर वहां पे अगर राहु जैसा प्लैनेट अगर बैठेगा तो वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, कंप्यूटर से रिलेटेड इस तरह की आपको शिक्षा देगा, या उसके स्वामी का अगर कोई संबंध इस तरह का बनता होगा किसी मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ, क्योंकि जितनी भी पढ़ाई है टीडीएस पढ़ाई है, या तो पंचम भाव या भावाद भावम न्याय के अनुसार नवम भाव, उस पे बैठे हुए मेलिफिक्स आपको टीडीएस पढ़ाई कराते हैं जो मुश्किलात वाली की पढ़ाई है। तो ये जैसे इस पॉइंट में, तो मैंने जब उनका देखा तो मैंने उनसे कहा कि आपको एक दशा अभी आने वाली है, इस दशा में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि आप कोई डिस्प्यूट्स में जा सकते हैं, और बिल्कुल वही हुआ उस दशा के अंदर। तो आप ये समझे कि ये इतना, मतलब एक एक्यूरेट सिस्टम है उस भाव को लग्नवत करके स्टडी करने का। आप उसकी एक्यूरेसी में आपको बताया मतलब बयान नहीं कर सकता। आप ये देखिए कि जैसे मैंने अभी अपने एक इसी तरह से भाव को लग्नवत करके अपने एक स्टूडेंट की पत्नी के जॉब के बारे में प्रडिक्शन किया था जनवरी के मंथ में कि उनको जॉब जो है 10 जुलाई को उनको जॉब लगेगा।
उन्होंने मुझे अभी सूचित किया है कि ये 10 जुलाई से लेकर और 15 जुलाई के बीच में इंटरव्यूज सारे फाइनल हुए और उनको जॉब का ऑफर आया। तो अब आप ये देख लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो उनको जब मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को बताया तो वो बिल्कुल वही हुआ, कॉरपोरेटर्स और MLAs वगैरह ने उन्होंने उनके अगेंस्ट में उनके जैसे वो थोड़ा कोई काम कराना चाहते होंगे तो वो ये उन्होंने उनको अनुचित जाना कि ये काम नहीं हो पाएगा तो उन्होंने उसको मना कर दिया, तो उन्होंने गैंग अप कर दिया उनके अगेंस्ट और चीफ मिनिस्टर को कम प्रेशराइज करके। मतलब आप समझिए कि लेस देन ए मंथ इन ए डिस्ट्रिक्ट उनका ट्रांसफर हो गया और उनको एज अ स्पेशल सेक्रेटरी बना के आयुष मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि बहुत नॉन डिस्क्रिप्ट मंत्रालय माना जाता है क्योंकि ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर एक छोटा सा मंत्रालय है। बहरहाल कहने का मतलब है कि जो दशा जो मेलिफेक्स की होती है अगर भाव को लग्नवत करके तो उसके प्रभाव आप बता सकते हैं। प्रताप शील सर बोलिए। सर जैसे अगर किसी ग्रह की दशा चल रही है तो इसको हम लोग रेट्रोस्पेक्टिवली भी देख सकते हैं कि वो किस किस भाव से 159 में आ रहा है। रेट्रोस्पेक्टिवली तो आप देखते ही हैं क्योंकि अभी जब आप ज्योतिष को समझने की चेष्टा कर रहे हैं तो आप पोस्टमार्टम स्टडीज तो करते ही हैं। पोस्टमार्टम स्टडीज का मतलब होता है कि जैसे आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में दशा डायनेमिक चार्ट में दिलीप साहब के डेथ की डेट को मैंने जस्टिफाई किया था, तो वो क्या है, वो पोस्टमार्टम स्टडी है। पोस्टमार्टम स्टडी का मतलब है हमें घटना का पता चल गया है। दिलीप साहब हमारे पास कोई कुंडली कराने तो नहीं आए थे, अब हमें पता चल गया न्यूज़पेपर से मीडिया से कि उनका देहांत हुआ 7 जुलाई को, तो हमने 7 जुलाई की उनकी दशा देखी और उस दशा से हमने देखा कि क्या ये जस्टिफाई हो रही है कि नहीं। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हम देखते हैं, प्लैनेट्स को पीछे ले जाके हम देखते हैं। नहीं सर, मेरा ये कहने का मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति आया दिखवाने को मिली और उसकी कोई दशा चल रही है तो मैंने देखा कि इस भाव से ये प्लैनेट अच्छे पोजीशन में बैठा हुआ है और इस भाव से खराब पोजीशन में बैठा हुआ है जिसकी दशा चल रही है, तो जिससे अच्छे पोजीशन में बैठा हुआ है उसके लिए अच्छा फल क्रिएट करेगा, उस भावों के लिए अच्छे सिग्निफिकेशंस को देगा, और जिन भावों से नेगेटिव प्लेसमेंट है उसका उन भावों के लिए खराब फल देगा। ऐसा हम लोग समझ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ऐसा है कि ऐसा, लेकिन जैसे विश्वामित्र साहब ने कहा था तो उस बात को मैं आपको ना उन दोनों चीजों को फ्यूजन की जरूरत है। जैसे विश्वामित्र साहब ने जो बात बोली थी तो मैंने उनको बताया था कि स्टैटिक एंड डायनेमिक, तो जब डायनेमिक की बात आती है तो वो दशागत दृष्टिगोचर होता है, दशा ही एक्टिव करती है उस उन भावों को जिन भावों की दशाएं चलती हैं। ये आपका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है आप कैसे स्टडी कर पाएंगे कि एक ग्रह जो दो भावों का स्वामी है, अगर सपोज वो जैसे मंगल की दशा है किसी व्यक्ति की और मंगल की दशा में मंगल मेष राशि से तो अच्छा बैठा है और मेष राशि सपोज उसके 4th हाउस में आती है, लेकिन वो वृश्चिक राशि से अच्छा नहीं बैठा, तो क्या होगा कि वृश्चिक राशि उसकी पड़ेगी एकादश भाव की, तो उसको गेनफुल उतना नहीं होने वाला। मतलब आप समझिए कि उसको जो उसकी प्रॉपर्टी है, मतलब वो प्रॉपर्टी को फोर्थ हाउस से, अब वो अष्टम भाव जो है गेन का भाव है और फोर्थ हाउस प्रॉपर्टीज का भाव है, तो ये गेनफुल नहीं होने वाला उसको जो वो प्रॉपर्टी सेल करेगा, क्योंकि जो भाव है अगर वो सपोज परचेस करता है तब तो वो उसका गेनफुल होगा, मतलब उसको कम दाम पे प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लेकिन वो बेच के अगर वो चाहे कि वो गेनफुल करना चाहे तो गेनफुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लग्न कुंडली से जो भाव होते हैं उनका भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, फिर उस भाव को लग्नवत करके जो प्रभाव आते हैं वो भी दिखाई पड़ते हैं, तो वो आज गेनफुल नहीं होगा लेकिन कल को गेनफुल हो सकता है। मतलब एक वहां से चूंकि अष्टम में उसके वृश्चिक राशि पड़ रही है
तो वो कैपिटल गेन का हाउस है, तो उसका मतलब आज वो परचेस करेगा तो हो सकता है कि 4 साल या 6 साल के बाद जो वो बेचेगा तो बड़ा गेनफुल उसकी वो प्रॉपर्टी बिकेगी। तो गेन जो है उसका प्रत्यक्ष ना होकर परोक्ष होगा। अगर मैं आपके प्रश्न को अच्छी तरह समझ पाया हूं तो ये बात जो जब हम दशा की करते हैं तो ये बात लागू एक ग्रह के दो भावों पर हो सकती है, क्या ये बात जो है लागू हो सकती है? अगर वो 4 भावों पे लागू हो सकती है, सपोजिंग वो ग्रह कंजंक्शन में किसी प्लेनेट के साथ है तो उस प्लेनेट की भी 2 राशियां हैं तो उसका मतलब 4, और अगर वो वहां पे अगर 3 ग्रह बैठे हैं तो तीनों के तीनों एक्टिव माने जाएंगे ग्रह की दशा आने पे, तो 3 ग्रहों के सपोज 6 भाव यहां एक्टिव माने जाएंगे। तो क्या आप ये पूछना चाह रहे हैं कि रेट्रोस्पेक्टिवली अगर आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो जो दशा का लॉर्ड है उसके संबंधियों की भावों के उसको परिणाम ऐसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आप मुझे दोबारा बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। सर प्रताप जी कह रहे हैं बैठा हुआ प्लेनेट है, आप अपना माइक थोड़ा करीब कीजिए सर। हाँ बोलिए विश्व। सर प्रताप जी कह रहे हैं कि भाव के हिसाब से जो प्लेनेट किस तरह बैठा हुआ है अपने भाव से, वो जैसे अपना वो दशा और अंतर दशा का सर रिलेशन निकालते हैं ना, किस तरह से बैठा हुआ है वो, उस तरह का ही क्वेश्चन मतलब यूज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो क्लैरिटी चाहते थे मेरे को जो लग रहा है। देखिए वो तो दशा अंतर दशा के जो इक्वेशंस हैं उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि दशा अंतर दशा के जो इक्वेशंस होते हैं उससे लगन से वो जैसा दशा और अंतर दशा में अगर षडाष्टक योग बन रहा है, 6 और 8 का संबंध बन रहा है, तो उसका मतलब है कि जब वो दशा आएगी चाहे वो चौथे भाव उसकी हो या सप्तम भाव की है तो वो लग्न कुंडली के 6 और 8 को भी कॉरेस्पॉन्ड करेगी, मतलब वो 6 और 8 भी उसमें एक्टिव होगा। तो अगर वो पूछ रहे हैं, अगर इस बात को पूछ रहे हैं तो ये बात का तो आंसर ही है, लेकिन मेरे ख्याल से वो इस बात को नहीं पूछ रहे, कुछ और पूछ रहे हैं, समझा नहीं पा रहे। बाद में अभी हम लोग चलते हैं। क्यों ठीक है जी। इसके बाद जो इसमें 4th पॉइंट है वो है, अब जैसे हमने किसी व्यक्ति के अगर हम करियर को अगर हम देखना चाहते हैं तो हमने हमें उसका चार्ट जो है दशम भाव को लग्नवत करके उसका चार्ट बनाना होगा। तो जो दशम भाव के जो ट्राइनल हाउसेस पे या केंद्र में जो ग्रह बैठे हैं या 11th या 2nd हाउस में बैठे हैं ग्रह, वो उसके करियर को एक अच्छा प्रभाव छोड़ेंगे, और या फिर अगर उसको ऐसी दशा आती है जो कि उस दशम भाव से ट्राइनल प्लैनेट्स की है, मतलब त्रिकोण के स्वामियों की दशा आ रही है, या ऐसे लॉर्ड्स जो केंद्रास्थ के जो लॉर्ड्स हैं जो, या प्लेस्ड प्लैनेट बेनिफिट प्लैनेट्स केंद्रास्थ के हैं या 11th हाउस के प्लैनेट या 2nd की अगर दशा है तो उस व्यक्ति के करियर को वो एक अच्छा प्रारूप निकाल के देगी, मतलब तो उसके करियर में बेटरमेंट की सिचुएशन आएगी। और जो अगर सपोज वहां से दशम भाव से 6, 8 और 12 भाव के स्वामियों की दशा या वहां पे प्लेस्ड प्लैनेट्स की दशा आएगी तो उसका करियर थोड़ा हिलेगा, उसके करियर में उसके खराब होगा। लेकिन अब आप एक बात देखिए, दशम भाव का अगर हम 12वें की बात कर रहे हैं तो 12वां भाव कुंडली का 9वां भाव हो गया, और 10वां और 10वें भाव से अगर हम अष्टम की बात कर रहे हैं तो वो कुंडली का 5वां भाव हो गया। तो आपको ये बात एक आश्चर्य में डालेगी, जैसे कहने का मतलब है कि मैंने जैकेस इंडिया जिस दिन मैंने रिजाइन किया उस दिन मेरे 5th हाउस और 9th हाउस मेरी कुंडली के 5वें और 9वें ग्रह की दशा अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा में आई थी। महादशा मेरी थी उस समय बुध की, जो कि लग्न कुंडली का 6 और 3 का लॉर्ड था और जो कि 3rd में बैठा है, और जो मेरा अंतर और प्रत्यंतर था वो मेरा लगन कुंडली के 5वें के स्वामी और लगन कुंडली के 9वें के स्वामी, इनके अंतरे और प्रत्यंतर में मैंने उस दिन जाके रिजाइन किया था। मतलब मैं वैसे रेजिग्नेशन का प्लान कर चुका था
क्योंकि मेरे 6 साल कंप्लीट हो गए थे वहाँ पे, और फिर मुझे मेरा ज्योतिष पढ़ाने का और ज्योतिष कंसल्टेशन का काम बहुत बढ़ चुका था और मेरे पास इतना वो नहीं था। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप 10वें को लग्नवत करते हैं तब तो ये जस्टिफाई होता है कि आपने रिजाइन किया, क्योंकि वो जो आपका पंचम भाव का जो स्वामी है या पंचम में बैठा हुआ प्लैनेट है वो दसम से अष्टम आ जाता है, और दसम से जो 12वां है वो नवम भाव हो गया आपकी कुंडली का। लेकिन ये प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या कहते हैं, क्योंकि मैं ज्योतिष का स्वयं मैंने ऐसा, मैं कोई घटनाएं जो है ज्योतिष से प्लान करके नहीं करता। एक घटना का हो जाने के बाद कभी कोई क्लास में कभी डिस्कशन आ गया तो फिर उस बात को फिर इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। जब हमारी कॉम्पिटेटिव क्लासेस होती थी तब तो मैं अपनी हॉरोस्कोप पे काफी कुछ बातें समझा देता था, तो फिर वो रेट्रोस्पेक्टिवली उस घटना को, अब जैसे हमारे प्रतापशील साहब ने रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड यूज किया, तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली उस घटना को, क्योंकि वो घटना एक नोटेबल इवेंट मेरी लाइफ का है कि उतनी तारीख को मैंने रिजाइन किया और वो मुझे रोकते रहे कि नहीं अभी आप जब तक आप जो है हैदराबाद से किसी का ट्रांसफर नहीं आता तो तब तक आप रुकिए, काम सफर करेगा। हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे काफी मतलब अच्छी काउंसलिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आपको बताऊं मैं थोड़ा जिद्दी किस्म का हूं, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो मैं बहुत एडमिट टाइप का हूं, हेड स्ट्रांग हूं उस मामले में, पॉजिटिवली मतलब नेगेटिवली हेड स्ट्रांग नहीं रहता हूं। इवन आप देखिए एक मैंने आप लोगों से नेगेटिवली कभी हेड स्ट्रांग नहीं रहता हूं। जैसे मैंने कहा कि मैं प्रिंटर प्रिंट आउट आपको नहीं दूंगा, लेकिन वो आप देखिए वो चीज मेरी दिमाग से बिल्कुल निकल गई, और वो जो अच्छी चीजें होती हैं उनको मैं उनके लिए एडमिट रहता हूँ, उनको मैं परसीव करता हूँ। बहरहाल कहने का मतलब है कि मैं फिर उसके बाद रुका नहीं, और वो दैट वाज माय लास्ट डे इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मैंने उनको ये बताया कि मैं कल से आऊंगा नहीं, तो वो इवन मैंने नोटिस पीरियड ही सर्व किया, तो मेरा जो है वो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट मुझे 1 महीने का जैसे 3 महीने का मुझे नोटिस पीरियड सर्व करना था, तो उन्होंने वो हमारे चूंकि इक्वेशन अच्छे थे तो उन्होंने 1 मंथ का 2 महीने का उन्होंने रिप्राइव दिया और 1 महीने की सैलरी काटी। तो बहरहाल कहने का मतलब है जो रेट्रोस्पेक्टिव बात जो प्रतापशील साहब कह रहे थे, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव हमने क्लासेस में करके देखा, तो घटनाओं को तो मैं अपनी कुंडलियां देख के नहीं डिसाइड करता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो यहाँ पे दसम भाव से 6, 8, और 12 की अगर बात हो रही है, तो दसम से 6 भाव आपका 3rd हाउस है। आप देखिए मेरी बुद्ध की महादशा चल रही थी जो कि मेरे बुद्ध 3rd हाउस में बैठे हैं, तो 6ठा था, और उसमें जो अंतरदशा का लॉर्ड था वो 8th का लॉर्ड था जो कि मेरा पंचमेश था सूर्य, और जो मेरा नवमेश है वो मेरा जुपिटर है जो स्वग्रही बैठा हुआ है रेट्रोगेट हो, तो वो 9 क्या हुआ दसम से 12वां हो गया। तो एग्जैक्टली ये जो दशाएं होती हैं, जब आप भाव कुंडली को भावगत अगर आप उस भाव को लग्नवत जब आप करते हैं तो आपको दशा के पूर्ण रूप से प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं, और ये आप रेट्रोस्पेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं अपने नोटेबल इवेंट्स को लिखकर अपने जीवन के, और उसी प्रकार से उस भाव के जैसे आपका दशा नहीं, नहीं दशानाथ को नहीं, देखिए दशानाथ को लग्नवत करने वाली बात वो मैं एक टेक्निक को पीछे छोड़ चुका हूँ विश्वास साहब, वो टेक्निक मैंने आपको ना लास्ट क्लास में दशा डायनेमिक चार्ट बताई है, अब हम उस टेक्निक की बात नहीं करेंगे, वो एक सर्च लाइट है, ये बेस सर्च लाइट है, यानी ये हमारी बहुत अहम है, और उसमें भी हम दशानाथ को लग्नवत अंतर दशानाथ को करते हैं, वो मैं आपको दशा डायनेमिक में समझा चुका हूँ, उसमें हम मूल त्रिकोण राशि को जो है महादशानाथ की हम लग्नवत करते हैं। तो बहरहाल हम डिफरेंट सर्च लाइट पे अभी चल रहे हैं, तो उसमें हम दशा को हम लग्नवत करते हैं, आपको 13-14 में सिस्टम आपको समझाऊंगा दशा डेलिनेशन के,
तो आपको उसमें से ना पिक एंड चूज करना होगा विच वन यू वॉन्ट टू मास्टर। लेकिन आपको आपको जो है मुकाम पे पहुंचाने वाली सारी टेक्निक्स होंगी, उसको उसमें से आपको आत्मसात वो करने होंगे जिनमें आप कंफर्ट फील करेंगे। और अगर आपने चार महीने, आपको डेमो के टाइम पे बोला था कि 10-12 टेक्निक सीखने के बाद, कोई मैं ऐसे मुझे याद नहीं है कि 12 होंगी, 14 होंगी, 10 होंगी, लेकिन जितनी भी होंगी उतनी आप टेक्निक सीखने के बाद, मैंने आपसे डेमो के टाइम पे बोला था अगर आपने चार टेक्निक्स को भी आत्मसात कर लिया तो आपके प्रेडिक्शन उतने ही अच्छे होंगे जितने अच्छे मैं कई बार हासिल करता हूं। वैसे मैंने आपको बताया मैं कोई 100% वाला नहीं हूं, एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं हूं कि 100% ब्रह्मा जी के वाक्य के रूप में निकलता हूं, लेकिन मेरे प्रेडिक्शन जो है 60% से ऊपर स्ट्राइकिंग होते हैं। और आप ही के छात्रों में से एक छात्र के परिवार के बारे में मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया कि मैंने बताया था कि उनकी पत्नी को जो जॉब मिलेगा वो 10 जुलाई के बाद मिलेगा और 10 जुलाई से सेकेंड हाफ के पीरियड में मिलेगा, और वो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 10 जुलाई से और 15 के बीच में फाइनलाइज हुआ जॉब। तो यानी कहने का मतलब है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है कि वो एक्यूरेसी आपको, जैसे ये मैं इस सिस्टम को, इक्वेशन वाले सिस्टम को डेफिनेट फॉलो करता हूँ क्योंकि इक्वेशन वाला बहुत अच्छे परिणाम लेके आता है। उसी प्रकार से जो नक्षत्रा इम्पैक्ट ऑन दी दशानाथ है उसको भी मैं काफी शिद्दत से लगाता हूँ क्योंकि वो भी बहुत एक्यूरेसी लेके आता है। अच्छा आप देखिए, तो उसमें जो पॉइंट था कि जैसे मैंने आपको बताया कि 10वें भाव को आपने लग्नोत किया तो वहां से जो छठे 8वें और 12वें के लॉर्ड्स हैं या छठे 8वें और 12वें में बैठा हुआ ग्रह है या छठे 8वें 12वें का कोई मैलिफिक अगर प्लेसमेंट है वहां 8-12 में दसम भाव को लग्नोत करने पे, तब तो काफी खराब हो जाएगा करियर के लिए। तो वो एंग्विश देगा, यानी आदमी को काफी फ्रस्ट्रेशन और अंदरूनी गुस्सा देगा, उसको होपलेसनेस की सिचुएशन में देगा, डिस्गस्ट या फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन में करियर के लेकर आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, फिफ्थ पॉइंट है भाव लॉर्ड जो है, जब आप किसी भाव को लग्नवत कर रहे हैं तो भाव लॉर्ड नेचुरल बेनिफिक है या नेचुरल मैलिफिक है आपने इस बात की परवाह नहीं करनी है क्योंकि आप उस भाव के लिए वो प्लैनेट ऑफ डिग्निटी माना जाएगा। अगर आप देखिए, अगर आपने उसको प्लैनेट ऑफ नेचुरल मैलिफिक को प्लैनेट ऑफ डिग्निटी अगर आपने नहीं माना तो फिर आप ये कहना चाह रहे होंगे और आप इस स्लिपरी स्लॉप पे खड़े हो जाएंगे कि आप ये कहेंगे यार फला फला लगन है, फला फला लगन का फला फला भाव तो बिल्कुल ही मतलब बोरिंग होता है या वो बिल्कुल ही मतलब डिजास्टर होता है। इट कैन नेवर बी ट्रू। मतलब आप ये समझिए कि 7 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज डिवाइडेड अमंगस्ट 12 लग्न, 12 लग्नों में 7 बिलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड की डिवाइड हो रही है, इक्वल डिवाइड होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इतने मिलियंस ऑफ लोग उनका एक सर्टेन भाव के आइडेंटिकल रिजल्ट्स खराब आएंगे, कभी नहीं होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि पहले से लेकर 12 भाव के जो स्वामी हैं वो भाव के अपने भाव के सिग्निफिकेशन के प्रोटेक्टर माने जाते, उसको लिफ्ट करना, उसको एम्पावर करना, तो इसलिए वो एक डिग्निटी का प्लैनेट माना जाता है उस भाव विशेष के लिए। तो आपने इस बात को मद्देनजर नहीं रखना कि वो नेचुरल बेनिफिक है या नेचुरल मैलिफिक है, क्योंकि कुछ लग्न में वो हरी लग्न में कुछ भावों के स्वामी तो नेचुरल मैलिफिक होंगे ही होंगे क्योंकि नहीं तो ग्रह हैं जिसमें से 7 ग्रह की ओनरशिप है और 7 ग्रहों में से आप जानते हैं कि 5 ग्रह जो है वो नहीं, इसमें राहु केतु आप हटा देंगे तो 3 ग्रह आपके मैलिफिक हो गए, शनि है, मंगल है और सूर्य है, ये मैलिफिक हो गए। तो ये 3 ग्रह तो जिसमें से 2 ग्रहों की तो 2-2 राशि हैं, मंगल की और शनि की, और सूर्य की एक राशि है, तो उसको मतलब 5 भाव, 5 भावों के लॉर्ड्स तो मैलिफिक प्लैनेट्स होंगे ही होंगे। तो ऐसा हर लग्न के लिए आएगा, वो 5 कहीं अहमियत के भाव होंगे या कहीं वो दुख के भाव होंगे या कहीं वो
धन के भाव होंगे या लाभ के भाव होंगे, तो आपने वो बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है कि ये नेचुरल मैलिफिक है या नेचुरल बेनिफिट है। क्योंकि जो भी भाव का स्वामी है, उस भाव का, उसकी डिग्निटी का और उसकी एम्पावरमेंट को लिफ्ट करने वाला, उसके भाव के सिग्निफिकेशंस को प्रोटेक्ट करने वाला, वो एक अच्छा ग्रह माना जाएगा। और अब मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है उसके नेक्स्ट पॉइंट में कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एक प्लैनेट जो है अपने भाव से निम्न छह तरीके से वो प्लेस्ड हो सकता है। पहला तरीका है सम सप्तम। सम सप्तम का हाँ जी सर, यही पर एक छोटा सा पॉइंट कि जैसे अगर मेष लगन की कुंडली है तो उसमें सूर्य योगाकारी प्लैनेट हुआ है पंचम भाव के स्वामी होकर। अब जब हम दशम भाव को देखेंगे तो यहाँ पर सूर्य अष्टमेश हो जाएंगे। तो अब सूर्य को हम अच्छा मानेंगे, मतलब अब हम मकर लगन से सारे प्लैनेट के सिग्निफिकेशन को देखेंगे कि ये अच्छे हुए या खराब हुए, या फिर मेष लगन से ही देखेंगे कि ये अच्छे हैं या खराब है। प्रतापशील साहब ऐसा है, देखिए लगन कुंडली का भी असर होता है। मैंने आपको बताया ना, जब मैंने रिजाइन किया था तो मेरी जो दशाएं चल रही थी वो दशम भाव से छठे यानी कि थर्ड के वर्गोत्तम बुद्ध की महादशा थी। उसमें सूर्य का अंतरा था और उसमें प्रत्यंतर लॉर्ड जो है गुरु था, जो कि दशम का द्वादश भाव का अधिपति है और वहां प्लेस्ड है मेरा। मैं इसीलिए अपने गुरुओं के प्रति और महात्माओं, ऋषियों, ब्राह्मणों के प्रति इतना श्रद्धावान हूँ, क्योंकि मेरा गुरु जो है वो धनु राशि का स्वग्रही है और भावगत रूप से नवम भाव पे विराजमान है, नवमांश में भी, तो भावगत स्थिति में भी काफी अच्छा है। तो बहरहाल, लेकिन अब आप ये कहेंगे किसी इस घटना को आप क्या मानेंगे, जब आप आदमी 6 साल किसी कंपनी के अंदर एक अच्छे काम को कर रहा हो, उसके बाद वो उस कंपनी से रिजाइन करता है। देखिए टेक्निकली ये खराब घटना है, ये टेक्निकली। अब कोई आदमी ये कहे, देखिए आप एक बात, अगर कोई आदमी कहे जी मेरे पिताजी की जो है वो डेथ हो गई, वो कैंसर से सफर कर रहे थे तो तकलीफों से वो उनको मोक्ष मिल गया, देखिए वो फिलोसफिकल मेटाफरिकल बेस में वो बात सही हो सकती है, लेकिन वो सही नहीं है। टेक्निकली इट्स ए ये एस्ट्रोलॉजिकली एक बहुत बुरी घटना मानी जाए। ये तो है प्रोसीडिंग जो समय है रोग से ग्रस्त होना, ये भी दशाएं खराब मानी जाएंगी उस व्यक्ति, उस नेटिव के लिए, क्योंकि उनके पिता सफर कर रहे हैं। लेकिन एक पिता का चाहे रुग्ण अवस्था में भी पिता का साया सिर के ऊपर होना, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी के लिए वो मेटाफरिकल एंड फिलोसफिकल आंसर नहीं चलेगा, ये सब बुरी घटना मानेगा। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली पूछें तो एक अच्छे पद पे जॉब करना और 6 वर्ष उस कंपनी में काम करने के बाद में रेजिग्नेशन दे के और विदाउट सर्विंग द नोटिस पीरियड वहां से एग्जिट लेना, और वो एक घटना अच्छी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो उस वर्ष जब मैंने रिजाइन किया था तो माय हैंड्स वर फुल विद क्लासेस इन एस्ट्रोलॉजी एंड कंसल्टेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। दूसरा, मैं जो है एक तरह से मैं बोर हो चुका था एक आइडेंटिकल काम करते करते, और मैं जो है एस्ट्रोलॉजी को बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट मानता हूँ और वो चैलेंजिंग सब्जेक्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग करके अपने प्रेडिक्शन देता हूँ, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको कटघरे में खड़ा करती है। क्योंकि जब फॉरेनर्स तो उसके ट्रांसक्रिप्ट बनाते हैं, आपको सुन के आश्चर्य होगा जितने मेरे फॉरेन के क्लाइंट्स हैं या फॉरेन में इवन NRIs हैं, वो लोग मेरी पहले जब मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग देता था, अब मैं जूम की वीडियो रिकॉर्डिंग देता हूँ, तो वो उसमें से, क्योंकि उसमें बीच में थोड़ी इधर उधर की बातें भी हो जाती हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो बुलेट्स पॉइंट्स को ट्रांसक्रिप्ट करते हैं और वो व्हाट्सएप पे मुझे भेजते हैं कि आपने इतनी तारीख को ये घटना होगी, इतनी तारीख को ये घटना होगी, इतनी तारीख को ये घटना होगी, आपने हमें
ये बताया है। और फिर उसके बाद वो तो आप समझिए मैं पूरी तरह से कटघरे में खड़ा हो गया कि आप अगर वो घटना 2025 की भी है अब सीमेंट हो चुकी है कि आपने ऐसा बोला है। ऐसा नहीं है कि कोई ये कोई फांसी लगाने वाली स्थिति नहीं है या कोई ऐसा नहीं है कि वो मुझसे कहेंगे कि आपने ऐसा बोला और ऐसा नहीं हुआ तो आप 5 साल के बाद वो बोलेंगे आप मुझे मेरी पेमेंट वापस कीजिए, ऐसा नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलते हैं। वो बहुत पीपल आर बाय एंड लार्ज वेरी वेरी ग्रेटफुल इन नेचर। तो वह बहुत अगर उसमें से मेरे बताए हुए 20 प्रोडिक्शन में से अगर 4 प्रोडिक्शन भी सही हो जाते हैं तो उसके लिए वो थैंक्स बोलते हैं। और वो कभी ये मुझसे नहीं बोलते आपके 16 प्रोडिक्शन गलत हुए, ऐसे ऐसा नहीं होता। मैंने आपको बताया 60% प्रोडिक्शन मेरे सही होते हैं क्योंकि मैं दशा की इतनी ज़्यादा टेक्निक्स अप्लाई करता हूँ कि उसको सिर्फ सेफ प्ले करने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं इंटेंजिबल वे में कटघरे में तो खड़ा रहता हूँ। हर प्रेडिक्शन चूंकि मेरा रिकॉर्डेड जा रहा है और मैं वो जो आप लोगों को भी भेजता हूँ वही डिस्क्लेमर मैं उनको भेजता हूँ, तो जो आप लोगों को मैं जो जूम रिकॉर्डिंग क्लास की भेजता हूँ ना उसमें जो एक डिस्क्लेमर वर्ड नहीं लिखा हुआ लेकिन वो डिस्क्लेमर है और वो मैं वैसे वैसा चिपका के भेजता हूँ। तो वो भी हमारे वहाँ एक हाईकोर्ट के जॉब पढ़ने आते थे तो वो मेरी बोल्डनेस को देख के रिकॉर्डेड प्रेडिक्शन देने की वजह से तो जज साहब मुझसे कहने लगे, जैन साहब हमारे तो रिटायर हो गए थे हाईकोर्ट से, तो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी प्रकृति के और बहुत वैसे भी जैन्स मुझे बहुत अच्छी प्रकृति के ही लगते हैं और बहुत ही धार्मिक प्रकृति के और वो सब वो काफी मतलब आप समझिए कि हम लोग वो बिस्किट्स बिल्कुल छूते नहीं थे, बेकरी प्रोडक्ट बहुत ही संयम से रहने वाले बहुत अच्छे व्यक्ति। तो वो मुझे कहने लगे कि कहते हैं सर आप इसमें आप थोड़ा रिस्क लेते हैं, आप अपनी जो है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग आप क्लाइंट्स को भेजते हैं। उन्होंने अपने बेटे का कराया था तो मैंने उनको ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी, तो वो जब क्लास में आए तो उन्होंने कहा कि सर आपको ये ऐसा मत किया कीजिए आप इसमें एक डिस्क्लेमर डालते, तो वो डिस्क्लेमर जो है फिर मैंने चूंकि हमारा बड़ा दैविक सब्जेक्ट है तो मैं डिस्क्लेमर वर्ड ऊपर नहीं लिखता, लेकिन वो डिस्क्लेमर पंडित जी जो अब वशिष्ठ जी जो बनाते हैं वीडियोस बनाते हैं तो उसमें तो बकायदा वो डिस्क्लेमर लिखते हैं लेकिन वो उसे लेस देन ए सेकेंड वो उसको स्क्रीन पे चलाते हैं तो आप उसको पढ़ नहीं सकते उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। लेकिन मेरा वाला डिस्क्लेमर जो है वो डिस्क्लेमर नहीं लिखा लेकिन आप भी उसको पढ़ लेता है। बहरहाल कहने का मतलब है कि जो आपका जो तो बहरहाल प्रतापशील साहब ऐसा है कि वो घटना को ना टेक्निकली एक अशुभ घटना मानी जाएगी जमे जमाए जॉब से छोड़ देना, लेकिन अगर आप एक व्यक्ति के अंतर्मन से एक व्यक्ति के रूप में मेरे अंतर्मन से पूछे तो मुझे कैसा लगा था तो आप समझिए कि मुझे एक बंदिश से एक आजादी की फीलिंग हुई और दूसरा बोर्डम से आजादी की फीलिंग हुई थी। हाँ और दूसरा क्या था कि मुझे चैलेंजिंग जो काम है ज्यादा अच्छे लगते हैं तो ज्योतिष से बड़ा चैलेंजिंग वर्क कोई नहीं हो सकता और उससे और ज्यादा चैलेंजिंग मैंने उसको और बना दिया क्योंकि आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो आपको लिख के भी कुछ प्रेडिक्शन नहीं देते हैं और कुछ समय के बाद आप भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, तो उसके बाद फिर आप आपको अगर कोई बात अगर आपकी सही हो गई उनकी ज्योतिषी की तो फिर आप उनके पास जाते रहते हैं क्योंकि आपको याद तो रहता नहीं उन्होंने आपको 20 बातें बोली तो कौन सी बोली। लेकिन मैंने अपने काम को और चैलेंजिंग बना दिया, कोई उतना रिकॉर्डेड सारा फ्रॉम द डे वन ऑफ बीइंग ए प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर मैं रिकॉर्डिंग साथ में भेजता हूँ। अब आप आइए तो बहरहाल तो इसके दो पहलू समझ गया प्रतापशील साहब, दो पहलू हैं, एक पहलू इसका एक मर्म का पहलू है, मार्मिक पहलू है जो एक व्यक्तिगत व्यक्ति के अपनी एस्पिरेशन से जुड़ा हुआ है और उसके अंतर मन से जुड़ा है। तो अगर उस रूप में अगर आप ये कहें तो ये पंच और नवम के स्वामियों ने मुझे एक लिबरेट किया, लिबरेशन दिया उस गुलामी और बंदिश से।
लेकिन मैं कोई ऐसा अनहैप्पी नहीं था अपने ऑर्गेनाइजेशन में, मैं अच्छा काम करता था और सब मुझसे खुश थे, मेरे माता भी खुश थे और मेरे सीनियर भी खुश थे, लेकिन वो बोरिंग काम था। तो ये बात थी। तो इसी को ही अगर एक्सटेंड करते हो, एक बात मैं पूछना चाह रहा था कि सपोज शनि जो है किसी की कुंडली में सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि वो दिग्बली है, और वही जब हम उसको सप्तम भाव को अगर हम लगनवत करते हैं तो हम बोलेंगे कि उस केस में शनि, क्योंकि अब लगन पे आ गया तो हम बोलेंगे कि अब शनि जो है वो हो गया, मतलब उस पे आ गया क्षेत्र, मतलब लगन पे आ गया। हाँ जी, लगन पे तो है ही वो, क्योंकि वो सप्तम भाव में है, लेकिन क्योंकि हमने सप्तम को लगनवत कर दिया तो वो लगन पे आ गए, दिग्बल ही नहीं रहा, तो हम मरणासन्न हो गया, मरणासन्न हो गया। एक मिनट, ये मरणासन कुछ नहीं होता, मैं आपको पिछली क्लासेस में भी बता चुका हूँ। ये संजय रथ साहब का एक तरह से एक इनोवेटिव डिजाइन है, लेकिन ये महा मतलब पीछे में बिल्कुल बहुत ही मतलब अनडिग्निफाइड थिंकिंग। ये असल में क्या है ना कि हमारे सुनील जी उनके वीडियो बहुत देखते रहते हैं, संजय रथ साहब के, और मैंने भी देखे हैं उनके वीडियो, मेरे पास भी उनके उपदेश सूत्र है, मेरे पास उनकी वैदिक प्रेडिक्शन की बुक है। तो मैंने आपको बताया जो कि पढ़ने का मेरा शौक है, तो संजय रथ एक अच्छे राइटर हैं, तो मैं उनका देखता हूँ, लेकिन वो मैं उनकी हर बात से इतफाक नहीं करता। ये जो मरणासन वाली बात है, ये बात बिल्कुल ही फूहड़ बात है और इस बात में कोई दम नहीं है, और ये मरणासन वाला जो है हमारी क्लास में दोबारा प्लीज ना उठाएं, क्योंकि मैं इस बात को बिल्कुल भी आप लोगों से इत्तफाक नहीं करूंगा, सुनील जी से इत्तफाक नहीं करता हूं मरणासन, क्योंकि हमारे हमारे एक मेरे फ्रेंड हैं जस साहब हैं, वो शुक्र को जैसे छठे भाव में मरणासन मानते हैं, तो या गुरु को थर्ड हाउस में मरणासन मानते हैं, तो गुरु से जो है ना पति पत्नी के संबंधों को देखा जाता है। गुरु थर्ड हाउस का गुरु जो है सप्तम भाव में, मेरी सिस्टर की कुंडली में गुरु थर्ड हाउस के हैं, और उनके अपने पति से बहुत अच्छे संबंध हैं। उनके पति इस समय सर्विंग कर्नल हैं देहरादून में। पति पत्नियों का, पति पत्नी का कोई एक आइडियल अगर संबंध के विषय में कोई अगर आपकी धारणा है, तो वो मेरी छोटी बहन और उनके पति के, उनके पति बहुत अच्छे स्वभाव के हैं और आर्मी के कर्नल हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, डेकोरेटेड व्यक्ति हैं। अब रिटायरमेंट को कुछ समय ही उनका रह गया है, उनका बहुत अच्छा सर्कल है। उनका सर्कल अच्छा होने का कारण है कि पति पत्नी दोनों बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, और आर्मी में जितने भी फंक्शंस होते हैं और जितने भी उनके आर्मी डेज होते हैं या कोई गैदरिंग्स होती हैं, गेट टूगेदर्स होते हैं, कभी उनके कमांडिंग ऑफिसर्स के बर्थडेज होते हैं, एनिवर्सरीज होती हैं, उनमें वो डिमांड के साथ वो कपल स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं। और मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो बहुत अच्छे गिटारिस्ट भी हैं, वो हवाइन गिटार और सारे हर तरह के गिटार बजाते हैं, और जब वो गाना गाते हैं तो गिटार खुद बजाते हैं, और बहुत अच्छे उनके, उन्होंने वहाँ पे अपने आर्मी के उसमें उनका, उन्होंने लोगों को ग्रूम किया हुआ है, तो जब भी कभी बड़े फंक्शंस होते हैं तो उन फंक्शंस में एक ऑर्केस्ट्रा जो आर्मी ऑफिसर्स का बैठता है। तो मैं आपसे जो कह रहा हूँ ना, ये जो मरणासन वाली बात है, तो हमारे जो मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा है, जस साहब हैं, वो लखनऊ में सेशन जज हैं, उनके शुक्र छठे भाव के हैं, और आप ये देखिए उनके अपनी उनकी लव मैरिज भी है, उनकी पत्नी के साथ में उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, और जैसा कि पत्नी मतलब वो मेरे मित्र की जो पत्नी है वो बहुत अच्छे स्वभाव की लेडी है। लेकिन हाँ, शुक्र चूंकि कारक होता है सप्तम भाव का, तो उसके छठे में बैठने की वजह से वो थोड़ा उनको जैसे थायराइड की स्थिति और वो सब है। तो देखिए, रोगी होने में तो कोई भी ऐसे रोग तो होते ही हैं, कुछ रोगों कैसे हैं, थायराइड के लिए एक पिल डेली खानी पड़ती है, तो मरणासन वगैरह मैं कुछ नहीं मानता, और ये सब ये संजय रथ साहब का एक खिचड़ी प्रोडक्ट है।
तो क्वेश्चन ये था कि अगर जब हम लगनवत करते हैं किसी ग्रह किसी भाव को, और उस भाव को जब हम लगनवत करते हैं तो पोजीशन जब चेंज होती है प्लैनेट की या सबकी, तो उसके हिसाब से सर हम फिर कैलकुलेट मतलब सब कुछ देखते हैं, जैसे कि अगर कोई दिग्बली है अब उसमें कोई दिग्बली हो गया जैसे कुंडली बदल गई नवीन साहब, आप कुंडली बिल्कुल बदल गई अब आप एक बात, जैसे आप जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, आप क्या शुरू से क्लास में हैं, मैंने एक डिप्टी कमिश्नर का एग्जांपल दिया था उस समय आप थे क्या यहाँ पे? सर मैं 720 पे ज्वाइन किया था, 720-725 पे। हाँ तो बिल्कुल आप शुरू से हैं, मैंने आपको ना एक हरियाणा के डिप्टी कमिश्नर की का एग्जाम्पल दिया था कि उनके दशम भाव से अष्टम, दशम भाव को लग्नवत करके उसके अष्टम भाव से के प्लैनेट्स की दशा आ रही थी, तो उनका अपने मैंने उनको कॉशन दिया था और लेस देन ए मंथ उनका डिस्ट्रिक्ट से डिप्टी कमिश्नर से ट्रांसफर हो गया आयुष मंत्रालय में स्पेशल सेक्रेटरी जी बताया। हाँ तो अब आप ये समझे जब आप उसको लग्नवत करेंगे उस भाव को तो वो कुंडली बन जाएगी, उस भाव की कुंडली बन जाएगी, उसके भाव का जो द्वितीय होगा उस भाव से निकलने वाला धन होगा, उस भाव का जो तृतीय होगा उस भाव का, उस भाव की मशक्कत है, मेहनत है, उस भाव का कम्युनिकेशन है, उस भाव के सिग्निफिकेशन का, उसका जो चौथा भाव है उस भाव का सुख है, उसका जो पंचम भाव है वो उस भाव की क्रिएटिविटी है या मैनेजमेंट है, उस भाव का जो छठा भाव है वो उस भाव का 3Ds है, उस भाव के सिग्निफिकेशन को लेकर आपको अगर कोई 3Ds मिलते हैं, डेट्स, डिजीज, डिफिकल्टीज, लिटिगेशन, पुलिस एक्शन, तो उस भाव का वो छठा भाव उसको बताएगा। उसका सेवेंथ हाउस जो उस भाव का एक सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री या पार्टनर का भाव हो गया, क्योंकि हर चीज जो है हर भाव के कुछ कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं या सप्लीमेंट्स होते हैं। जैसा कहने का मतलब है कि किसी को विदेश जाना है, विदेश जाने के लिए कोई व्यक्ति या कोई इंस्पिरेशन, एक व्यक्ति को इमिग्रेशन के प्रति जुझारू कर सकती है, तो वो उसका सेवेंथ हो गया, वो उसका पार्टनर हो गया, या जो प्रोसेस आपने इस्तेमाल किया उस प्रोसेस में आपने जिसकी हेल्प ली वो उसका पार्टनर हो गया। सपोज आपके जीजा आपके बैठे हैं कनाडा में और जीजा जी ने एक आपको इनिशियल जो है कनाडा आने का इनविटेशन दिया कि आप इमिग्रेंट हो जाओ, तो वो आपकी जो पार्टनरशिप जो बनी एक इंटेंजिबल वे में और आपका प्रेरक बना वो आपका सप्तम हो गया। उस भाव से अष्टम जो होगा वो अष्टम या तो अध्यात्म में चले जाने की वजह से उस भाव के कारकत्वों के प्रति आपका उदासीनता, उदासीन हो जाना, या उसके कारकत्वों के प्रति आपका जो एक बिछोह है वो दिखाई देगा, या उस भाव के सिग्निफिकेशंस का के प्रति आपकी इंडिफरेंस हो जाना, या उस भाव के सिग्निफिकेशंस को लेकर जैसे सपोज सिबलिंग का भाव है आपका, वो आपने लग्नवत किया तो उसके अष्टम भाव का मतलब हो गया उस सिबलिंग का या तो दूर चले जाना, विदेश चले जाना, या उसके उसका जो है टर्मिनल एक्शन को टर्मिनल डिजीज, टर्मिनल एक्सीडेंट्स, या आयु का क्षीण हो जाना, या उसको कोई किसी तरह का रोग हो जाना, बड़ा रोग हो जाना, या फिर आपके संबंधों क्या उसके साथ में समाप्त हो जाना, क्योंकि जो अष्टम भाव है वो इस तरह का है कि जो टर्मिनल चीजें दिखाता है, या उस व्यक्ति का जो एक सडन गेन की स्थिति पे आके खड़े हो जाना। तो कहने का मतलब है कि जो भाव है जब वो लग्नवत हो जाएगा तो आप वो नई कुंडली बन गई है, उसको आपने देखा। और एक बात जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि कभी भी आपने ये नहीं भूलना है कि मदर ऑफ ऑल चार्ट एक व्यक्ति की डीवन कुंडली है, डेटल चार्ट है। तो पहले सबसे पहले आपको जो रिजल्ट्स हैं भावों के संबंधित उन रिजल्ट्स को आपको लगन कुंडली से निकालना होगा। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिया था, वो एग्जांपल मैंने दिया था, एक मिनट के लिए मैं आप लोगों को जरा सा म्यूट करूंगा, एक म्यूट करता हूँ अपने आपको।
अच्छा देखिए, बहरहाल हम इस पे आ रहे हैं कि जो जैसे वो छह स्थितियों में बैठता है, तो प्रथम है, आप चिंता नहीं करें, इसको ना सब्जेक्ट को हम 2 दिन में करेंगे, आज थर्सडे एंड फ्राइडे में, क्योंकि बड़ा खूबसूरत विषय है और ऐसे कोई हमने इसमें जल्दबाजी नहीं दिखानी, क्योंकि आप में से मैं चाहूंगा कि सभी लोग इस पद्धति को तो आत्मसात करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको एक ऑप्शन दिया था कि आप नई नई चीजें सीख रहे हैं, तो 5 to 6 मेथड्स को आप आत्मसात कीजिएगा या 4 मेथड्स को आप आत्मसात कीजिए, लेकिन आपको जो है ऐसे 6 मेथड तो आपको मिल ही जाएंगे जो जिनको आत्मसात आप करेंगे या उनको आप इनकलकेट करेंगे या अपने माध्यम के रूप में आप दशा को पढ़ने के माध्यम के रूप में आप बनाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन इस बात को मैं आपसे कहूंगा, एक ये मेथड और एक इसके पहले जो मैंने आपको नक्षत्र इम्पैक्ट ऑन दी नेटल प्लैनेट प्लैनेट जो आपको दिया था, आप उसको तो जरूर मास्टरी करें और इसको जरूर मास्टरी करें। तो जिनको मैं बहुत ज्यादा मतलब पसंद करता हूं और जिनके रिजल्ट्स में बड़े ग्लेयरिंग पाता हूँ, बहुत अच्छे पाता हूँ, वो मैं आपको ऐसा बताता रहूंगा। लेकिन हाँ, मैं आपको इतने मेथड डेफिनेट बताऊंगा कि आपको देखिए वही वाली बात है ना कि दुल्हन वही जो पिया मन भाई कहते हैं, कि आप में से कुछ लोग, मुझे नहीं मालूम, कुछ लोगों को कोई और मेथड अच्छा लग सकता है, तो नए नए मेथड सब मैं आपको बताऊंगा, ये सारे सर्च लाइट्स हैं, तो हो सकता है कि किसी और को कोई और भा जाए, तो वो भा जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी अगर उसको वो आत्मसात कर लेगा। और अगर आपको, अगर आप 12-13 मेथड जो भी आपको पता चलते हैं सभी को आप एक बारगी अध्ययन अच्छी तरह से कर लेंगे, तो कम से कम आप अपने जो डियर वंस हैं उनकी कुंडलियों में तो आप उतना समय बिता ही सकते हैं, उनको लगा ही सकते हैं। बहरहाल इसमें जो प्रथम है कि कोई भी भाव का स्वामी अपने भाव से सम सप्तम होके बैठता है, तो प्लैनेट जो है सम का मतलब हो गया कि वो स्वक्षेत्री, स्वक्षेत्री होना उस भाव के लिए बेस्ट माना जाएगा। लेकिन जब वो सप्तम पे बैठेगा उस भाव से, तो वो वैसे तो अच्छा माना जाएगा, किंतु कभी कभी वो मारक क्वालिटीज को भी दिखाएगा वो सप्तम पे बैठकर। दशा जब भी कभी खराब प्लैनेट्स की, खराब ग्रहों की दशाएं चलेंगी, तो सप्तम भाव पे, सप्तम भाव क्या हो गया कि वो सामने बैठा है और उस भाव पे दृष्टि डाल रहा है, तो वैसे तो उस भाव को वो स्ट्रेंथ देगा, लेकिन उसके सप्तम होने का एक एडवर्स रिएक्शन भी है, क्योंकि वो सप्तम भाव से एक मारक प्रॉपर्टीज भी निकल के आती हैं, तो वो जब भी कभी जमावड़ा आएगा ऐसी दशाओं का जो कि एडवर्स दशाएं होंगी, जो उसकी जिंदगी के खराब ग्रहों की दशाएं होंगी, उन दशाओं में उसे वो मारक प्रॉपर्टीज भी उस भाव का स्वामी के सप्तम बैठने का अनुभव उस भाव के प्रति होगा, उस भाव के सिग्निफिकेशन पे होगा। उसके बाद जो दूसरा है जिस पे वो बैठ सकता है वो है दृढ़ द्वादश 2/12। तो इसमें जो होता है, जो सेकंड अगर वो अपने से आगे बैठा है, एक प्लैनेट जो है वो अपने से द्वितीय अथवा द्वादश में भाव से काउंटेड, या तो द्वितीय में बैठ सकता है या द्वादश में बैठ सकता है, तो जब वो द्वितीय में बैठेगा तो वो धन के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, क्योंकि द्वितीय भाव को एम्पावरमेंट का भाव कहा जाता है, ये शायद आप लोगों को ना पीछे बेसिक क्लासेस में, एडवांस क्लासेस में कभी आपको किसी ने बताया नहीं होगा, इसको द्वितीय भाव को एम्पावरमेंट का भाव क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये चतुर्थ, यहां से क्राउनिंग ग्लोरी देखी जाती है, या किसी आदमी का थ्रोन पे बैठना, राज सिंहासन पे बैठना देखा जाता है, उसका लाभ भाव होता है द्वितीय, द्वितीय जो कि उसका लाभ भाव हो जाता है, तो वो एम्पावरमेंट का भाव होता है। तो इसके इस तरीके से बैठने से, थैंक यू, उसके इस तरीके से बैठने से वो सेकेंड हाउस पे अगर अपने से आगे बैठेगा, दूसरे में बैठेगा, तो वो धन के लिए भी अच्छा होगा, एम्पावरमेंट के लिए भी अच्छा होगा, यानी उस भाव से आने वाली चीजों से एक व्यक्ति को एम्पावर्ड करेगा। एम्पावर्ड का मतलब है उसको अबेंडेंस में मिलेंगी, उसको उन चीजों से जो है राज समाज में उन सब में उसको जो है उन सबसे लाभ की स्थितियां आएंगी,
पब्लिक का परसेप्शन उसके बारे में अच्छा बनेगा तो वह एम्पावर्ड होगा, उसकी बात सुनी जाएगी। लेकिन अगर वो बारहवें बैठेगा भाव से तो वो लॉस टू द भाव देगा, वो भाव को हानि देगा। इसके बाद त्री एकादश में भाव से वो बैठ सकता है। जब वो थर्ड होगा भाव से तीसरे बैठेगा तो उस भाव के सिग्निफिकेशंस के लिए कारकत्वों को, भाव से निकलने वाले 30 कारकत्व हैं तो उनके कारकत्वों के बारे में, पिछले बार किसी ने वादा किया था कि कारकत्वों के, जब भावों के कारकत्वों की बात आई थी तो हमारे वर्मा जी ने, रमेश वर्मा जी ने आग्रह किया था कि सर आप भावों के कारकत्व दीजिएगा। तो वादा में फेल हो गया लेकिन आज मैं डाल दूंगा। हाँ वो प्लीज आप हमारे ग्रुप में डाल दीजिएगा, क्योंकि एक बार जो वादा कर दिया जी फिर अपनी भी नहीं सुननी चाहिए जी सर, तो मैं भी अपनी खुद की भी नहीं सुनता था। तो बहरहाल मुझे अभी ध्यान आया, मैंने कहा कि इसे छात्र ने वादा किया था। अच्छा देखिए, तो बहरहाल त्रि एकादश का मतलब है अगर वो थर्ड में बैठेगा भाव से तो व्यक्ति को जो है उस भाव के कारकत्वों को की प्राप्ति करने के लिए, उसे काफी जो है अचीवमेंट्स के लिए, उस भाव के अच्छे सिग्निफिकेशंस के आने के लिए अपने जीवन में या लाने के लिए बहुत मशक्कत और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो एकादश बैठेगा उस भाव से तो एकादश बैठने में वो एक ब्लेसिंग हो जाएगी भाव की, क्योंकि नौ के नौ ग्रह जो है वो एकादश भाव में जाके बहुत अच्छे फल देते हैं। देखिए एकादश भाव के स्वामी के ऊपर है वो त्रिषडायश है, वो व्यक्ति को धन तो बहुत प्रदान करता है, उसको स्किल सेट्स देता है, उसको बहुत लर्नेड बनाता है, उसको डिजायर फुलफिलमेंट देता है, एम्बिशन फुलफिलमेंट देता है, गेम्स देता है, वो सारी बातें सही है। लेकिन वो त्रिषडायश का भी असर देता है, तो त्रिषडायश एक पाप भाव हो जाने की वजह से वो उसके जीव के एलिमेंट्स की हानि करता है और जीव में उस व्यक्ति का स्वयं का स्वास्थ्य हो गया, उसके परिवार के लोगों का स्वास्थ्य हो गया, या संबंध जो होते हैं पारिवारिक संबंध होते हैं उनकी हानि करता है उसका इलेवंथ क्लॉस। लेकिन ये यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि सपोज वो भाव का स्वामी त्रि एकादश हो गया, तो अगर वो भाव का स्वामी तीसरे बैठा है तो बहुत मशक्कत के साथ भाव की जो भाव के कारकत्व तो अच्छे सिग्निफिकेशन थे वो उस व्यक्ति को मिल जाएंगे, लेकिन मिलेंगे जो। और अगर वो सपोजिंग इलेवंथ बैठ गया तो एक ब्लेसिंग हो गई उस भाव के लिए, उसको हर चीज बड़ी एफर्टलेसली उसको मिलेगी, उस भाव से जितने भी अच्छे सिग्निफिकेशन होंगे भाव के वो उसके पास में एफर्टलेसली बिना उसके ज्यादा मेहनत मशक्कत किए हुए वो उसको एक भाग्य के रूप में वो उसकी झोली में आके गिरते रहेंगे। इसके बाद जो चौथा है वो है चतुर्दशम। जब भाव का स्वामी अपने से चौथे बैठता है तो एक व्यक्ति को उस भाव से संबंधित काफी वेल्थ क्रिएशन होता है और वो उस भाव के सिग्निफिकेशन को लेकर उसको सुख की स्थितियां पैदा होंगी। अब आप ये कहेंगे कि छठे भाव का स्वामी सपोज अपने से चौथे बैठ गया तो फिर सुख की स्थितियां कैसे दे सकता है? मैं आपको बताऊं, देखिए छठा भाव क्या है जिसको कहते हैं सबसे पहली निरोगी का है, क्योंकि वो आपके डिजीजेस का मालिक है। तो सबसे पहले तो बाल्टी का छेद ही बाल्टी के पानी को बहाता है, जब तक बाल्टी के उसमें छेद नहीं होगा तो सबसे बड़ी हानि तो भाव का ही, प्रोटेक्टर अगर कमजोर है और भाव अगर कमजोर है। अदरवाइज आप देखिए छठे भाव से स्पोर्ट्समैन आते हैं, छठे भाव से बहुत एक्सरसाइज करने वाले लोग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो कि बहुत डिसिप्लिन के साथ रहते हैं, सुबह वॉक मॉर्निंग वॉक्स पे जाते हैं, इवनिंग में वॉक्स पे जाते हैं, खाने के बारे में बहुत संयमी होते हैं, जिनकी बहुत अच्छी काया होती है। और छठा भाव जो है कॉम्पिटिटर्स का है, राइवल्स का है, साथ में स्पोर्ट्स का भी है, स्पोर्ट्स एक्सेलेंस का भी। तो आप एक बात देखिए, जब आप कहेंगे छठे का भाव का स्वामी सुख में चला गया अपने से, तो उसे सुख या वेल्थ कैसे मिलेगी? क्या स्पोर्ट्स वाले लोगों को नहीं मिलती? आप देखिए स्पोर्ट्स वाले तो इतना, सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा जाता था ही वॉज द यंगेस्ट बिलियनर बोला जाता था सचिन को। तो उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो है छठे के सिग्निफिकेशन उसका चौथे में चला गया तो छठे के सिग्निफिकेशन जितने भी हैं, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं कमाते, क्या लोन वाले अधिकारी नहीं कमाते, क्या पुलिस वाले नहीं कमाते, क्या जज साहब नहीं कमाते, जुडिशरी के लोग नहीं कमाते, सरकार से तो उनको तनख्वाहें मिलती हैं, तो चौथे में आ जाएगा तो वो सुख की स्थितियों को दिखाएगा।
एस्ट्रोलॉजर नहीं कहते, जो छठे से जितने लोग भी निकल रहे हैं, छठे को ट्रबल शूटिंग दे रहे हैं छठे भाव की, वो सारे के सारे कमाते हैं। तो उसका सुख में आ जाना उससे आने वाले अच्छे सिग्निफिकेशन की सुख की स्थिति को बताते। अच्छा देखिए, अब जैसे मेरे छठे का भाव का स्वामी अपने साथ दसम बैठा है, तो आप ये समझिए कि मुझे मुझे काफी सर्कल्स में या अपने क्लाइंट्स की सर्कल्स में सब्जेक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में और पाम रीडिंग में मतलब पामिस्ट्री में मुझे एक अथॉरिटी माना जाता है। तो चूंकि दसवां भाव क्या है, अथॉरिटी का है, तो मतलब मेरी बात को लोग कम काटते हैं क्योंकि मैं बहुत प्रामाणिक रूप से उन बातों को, अब जैसे मैं अगर पामिस्ट्री भी क्लास लेता हूं तो कॉमेट सेंट जर्मेन और नील जैक्विन और केरो और इनकी केरोग्नोमी किरोग्वेंसी, मतलब मैंने जो पामिस्ट्री क्लासेस पढ़ाई हैं वो मैंने कोई सामुद्रिक पामिस्ट्री नहीं पढ़ाया है। मैंने तो मैंने उसमें क्रिमिनल हैंड्स वगैरह वो सब नील जैक्विन से जो है क्रिमिनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के हैंड्स वो सब मैंने बनाए हैं। तो मैं पहले तो मैं हिप्नोटिज्म की भी क्लासेस लेता था, वो भी पढ़ाता था और ये भी पढ़ाता था। आपने रोटरी क्लब का जो मुझे साउथ दिल्ली के सारे रोटरी क्लब से मुझे बुलाया था 2009 में होटल अशोका में, मैंने डाला था आप लोगों को पीडीएफ। तो उसकी रोटरी की एक इंटरनल एक न्यूज़लेटर आता है उसमें आया था। तो मैंने जब पामिस्ट्री की मैं क्लासेस लेता था तो वो भी मैं उसे ना बड़े प्रामाणिक किताबों से पढ़ाता था। तो बहुत इवन जो ये हमारे परकशंस होते हैं वो परकशंस आप जानते हैं, ये जैसे अगर आपने हाथ को बिल्कुल पास कर दिया तो आप जिसको आप ये शंख और चक्र बोलते हैं बड़ा उसमें, तो इनको परकशंस बोलते हैं। तो वो उनकी भी अपनी मीनिंग्स होती है, फैलेंजेस की अपनी मीनिंग्स होती है। तो मैं तो इतना प्रामाणिक रूप से तो छठे के लॉर्ड का, क्योंकि छठे का मैं काम करता हूँ एस्ट्रोलॉजी का, तो छठे के लॉर्ड का अपने से दसम चला जाना तो मेरे को बड़ा एक सब्जेक्ट में ना अथॉरिटी माना जाता है जो भी मैं पढ़ाता हूँ सब्जेक्ट, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे मन से कुछ नहीं पढ़ाता। मैं काफी किताबों से पढ़ने के बाद में और क्लासिकल बुक से पढ़ने के बाद उसके बाद में जैसे हमारे यहाँ पे बहुत से छात्र हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाते हैं, तो आप ये समझिए कि ये नोट्स बनाने की आदत मेरी फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड बीइंग ए टीचर रही है। तो छात्रों में नोट्स वितरण करने के लिए, और मैं कभी भी नोट्स को टीपा टापी नहीं करता। मैं हर बार जो है, अभी मैं नौमांशा की क्लास में शुरू कर रहा हूँ, तो नौमांशा की क्लास मेरी बिल्कुल डिफरेंट होगी फ्रॉम द लास्ट वन, और वो नोट्स भी मेरे डिफरेंट होंगे। क्योंकि मैं मेरा अपना ये मानना है कि हर बार अगर आप नए नोट्स बनाते हैं तो एक समय के बाद आपके पास में ट्रेजर हाउस हो जाता है नोट्स का, और आप उन्हीं को टिप टाप के लिख देते हैं या उन्हीं को टिप टाप के आप बना देते हैं, तो क्या होता है कि फिर आपकी अपनी पर्सनल लेवल पे ग्रोथ नहीं होती। अब जैसे चतुर्दशम होगा तो भाव का स्वामी अपने से चौथे बैठेगा भाव से, तो व्यक्ति को जो है वेल्थ की स्थितियां देगा और वो सुख की स्थितियां जो है उस भाव के विषय में देगा। और जब वो दशम में बैठेगा भाव से तो भाव के सिग्निफिकेशन जो है व्यक्ति के करियर अचीवमेंट में या उसके रोजगार के प्रबंधन में या रोजगार की वृद्धि में उस भाव के सिग्निफिकेशंस काम करेंगे। जैसे आप यूं समझ लीजिए कि आपका किसी का ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस से दसम चला जाए, तो इसका मतलब ट्वेल्थ हाउस हम फॉरेन कंट्रीज भी देखते हैं, एक्सपोर्ट्स का इम्पोर्ट्स का काम भी देखते हैं, या एक आप इस तरह के इमिग्रेशन जो कंसल्टेंट हैं जो बच्चों को यूनिवर्सिटीज में एडमिशन करा रहे हैं फॉरेन में, या जो इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं जो लोगों को लेके जा रहे हैं यहाँ से बाहर, तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेशन जो है वो उसके रोजगार से जुड़ जाने हैं और उसके जीवन में प्रदर्शित होने हैं। तो ये जो सिग्निफिकेशन हैं भाव के वो उसके करियर अचीवमेंट के साथ पे जुड़ जाएंगे अगर दसम से ये संबंधित हो गया। अब देखिए मैंने आपको बताया ना छठे का काम मैं कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी का, तो छठे से दसम हो जाने की वजह से इतना लिखने की आदत इसलिए, इतना वो नोट्स बनाने की आदत इसलिए, क्योंकि दसम में चला गया तो एम्पावरमेंट में चला गया, लगन से थर्ड चला गया, तो थर्ड जो है वो कम्युनिकेशन का है और राइटिंग वर्क का है। ये तो बहरहाल कहने का मतलब है नेटिव जो है अगर वो दसम में चला जाएगा तो उसके करियर अचीवमेंट के साथ में लिंक हो जाएगा, और जो नेटिव है वो एक डिस्प्ले करेगा अथॉरिटी,
अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू द भाव सिग्निफिकेशन, उस भाव के सिग्निफिकेशन को लेकर अथॉरिटी के रूप में जाना जाएगा। इसलिए मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी का भी टीचर हूं, वो छठे का चूंकि दसम में चले जाने की वजह से, तो तभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का अगर सुनील जी कोर्स चलाएंगे तो पढ़ाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, भाव का स्वामी अपने से पंच नवम भी बैठ सकता है, तो जब भाव का स्वामी पांचवें में बैठेगा तो जो भाव के कारकत्व हैं वो उसके पूर्व पुण्य से जुड़े हुए दिखाई पड़ेंगे, यानी उसको जो अच्छे कारकत्व मिलेंगे उसके पूर्व पुण्य से, मतलब उसको बड़े एफर्टलेसली पूर्व पुण्य के द्वारा, या फिर उसके जो कारकत्वों में जो प्रबंधन होगा या कारकत्वों में जो इजाफा होगा भावों से आने वाले कारकत्वों में, वो कैसा होगा, उसमें बच्चों की वजह से होगा, मंत्र साधना की वजह से होगा, वो भाव के अच्छे सिग्निफिकेशन लेके आएगा, उस भाव से संबंधित सिग्निफिकेशन को लेकर उस आदमी को नेम फेम रिकॉग्निशन ये सब चीजें एक्युलेट्स वगैरह, लोगों के द्वारा उसकी पीठ तपतपाना या उसको अवार्ड्स वगैरह मिलना, वो उसके भाव के सिग्निफिकेशन को लेकर उसको मिलेगा। अब जैसे चतुर्थ का चौथे भाव का स्वामी अगर पंचम चला गया तो बच्चे पता चला गाड़ी दे देंगे, कोई बच्चा बहुत अच्छा करने लगा तो वो अपने पिता को गाड़ी गिफ्ट कर देगा। तो ये तो बहरहाल कहने का मतलब है कि चौथे के जो सिग्निफिकेशन होंगे, या इसी प्रकार से हर भाव पे ये लागू है, अगर पंचनवम बैठा है भाव का स्वामी तो भाव के जो सिग्निफिकेशन होंगे वो उसके पूर्व पुण्य से जुड़े हुए दिखाई पड़ेंगे, तो उसको बड़े एफर्टलेसली मिलेंगे, तथा उसके जो बच्चे होंगे और जो मंत्र साधना वो करता होगा वो सारे के सारे अच्छे भावों के, उन्हीं भावों के अच्छे कारकत्वों को उसके जीवन में उतारने में, और उस भाव से आने वाले कारकत्वों के लेके उसको फेम मिलेगा, नेम मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, उसको जो है लोगों लोग उसकी पीठ थपथपाएंगे, एक्लेट्स मिलेंगे उसे उस भाव से। और भाव का लॉर्ड अगर नाइन्थ में अगर बैठा है अपने भाव से, तो वो उसे उसको उस भाव के सिग्निफिकेशन को मिलने में आपको साफ पता चलेगा कि कोई डिवाइन हैंड काम कर रहा है, जैसे कोई दैविक शक्ति उसको उठा रही है, या फिर कोई पेरेंटल हेल्प की वजह से वो, पेरेंट्स के सहायता की वजह से वो उठ रहा है, या हेल्प ऑफ द गुरु आपको दिखाई पड़ेगी या भाग्य की, और उसे आपको उस भाव के सिग्निफिकेशन को लेकर उस व्यक्ति के एक्सपेंशन को, अपॉर्चुनिटी टू ग्रोथ को, इन सब को आप देख पाएंगे, और जो धर्म इन प्रमोशन ऑफ द भाव सिग्निफिकेशन, जो धर्म की स्थिति है, धर्म धार्मिक कार्यों के द्वारा भाव के अच्छे बढ़ने का दिखाई पड़ेगा। उसके बाद में जो छठी स्थिति है वह है सडास्टिक 6/8। जब भाव का स्वामी अपने भाव से छठे बैठ जाता है तो भाव के जो कारकत्व है, अच्छे कारकत्व हैं, उनको लेकर उस व्यक्ति को एंग्विश की स्थिति आएगी, यानी उसे जो है एक अंदरूनी गुस्से की स्थिति आएगी, उसको 3Ds की स्थिति आएगी, यानी कि डेट्स हैं, उधार हैं, रोग हैं, डिफिकल्टीज हैं, किसी तरह का जो कानूनी पचड़ा है, पुलिस का केस है, एक्सीडेंट्स हैं, या क्रुएलिटी टू सेल्फ और अदर्स, अतः भाव सिग्निफिकेशन को लेकर उनको ये चार सारी सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी सडास्टक होने पे। और जो भाव लॉर्ड अगर अष्टम में बैठ जाएगा तो उसके भाव के कारकत्वों को लेकर वो या तो टर्मिनल सिचुएशंस में जा सकता है, मतलब उसके भाव के कारकत्वों से उसके जीवन में समाप्त हो जाएंगे, या आइदर दे आर गोइंग टू डिसअपीयर फ्रॉम हिज लाइफ और कोलैप्स। अब टर्मिनल सिचुएशंस का मतलब है कि वो धीरे धीरे मर जाना, खत्म हो जाना, या एक तरह से फ्रेगमेंट होके वो उसका निकल जाना, टूट जाना, और यहीं पे अष्टम में जाने से क्या होगा कि या तो उसके जीवन से ही वो एकदम से गायब हो जाएंगे, या उसकी जिंदगी में वो कोलैप्स कर जाएंगे, जैसे उस भाव से आने वाला जो शख्स होगा या उसका जो रिश्तेदार होगा वो रिश्तेदार के साथ में उसके डिसअपियर हो जाने, या उसके चले जाने, या उसके कोलैप्स कर जाने, या उसके भाव के और भी दूसरे सिग्निफिकेशन हो सकते हैं जो कि मटीरियल हो तो वो कोलैप्स कर सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, और या फिर वो बिल्कुल मीनिंगलेस उसके लिए बन सकते हैं उस भाव के जो कारकत्व हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो अध्यात्म में अष्टम भाव चूंकि अध्यात्म से जुड़ा हुआ है
तो अध्यात्म में वो इतना ड्वेल्व डीपर कर जाए, इतना अंदर अंदरूनी तौर पे घुस जाए कि उस भाव से आने वाले कारकत्वों के प्रति उसका पूरा बिछो हो जाए। इसमें क्या है कि जो पहले से लेकर पहले से 12 के जो सिग्निफिकेशंस हैं उनको पर्टिकुलर भाव को जो है जो भी ऑब्जर्वेशन पे जो भाव होता है उस भाव को लग्नवत करके देखा जाता है, और जो प्लैनेट्स जो हैं वो नेटल चार्ट के अनुसार ही पोस्ट किए जाते हैं राशिगत स्थितियों के अनुसार, और उस हॉरोस्कोप को उसी तरीके से नेटल चार्ट की तरह से ही हम उसको ट्रीट करते हैं। जैसे सेकेंड हाउस उस भाव से जो है वो मनी एम्पावरमेंट का होगा, थर्ड उससे हार्डवर्क का होगा, चौथा उसका हैप्पीनेस सुख का होगा, उस भाव को लग्नवत अगर आपने कर दिया, ट्वेल्थ होगा तो उस भाव के लॉस का होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब इसका मतलब आपको भाव के सिग्निफिकेशन मालूम है तो सारे सिग्निफिकेशन उसी प्रकार से उस लग्नवत भाव से जुड़ेंगे लेकिन उस भाव के कारकत्वों के ऊपर लागू होंगे, और जो दशा का जो इफेक्ट होगा वो बिल्कुल 0.3, 4, 5 एंड 6 के अनुसार होगा। यहाँ पे हम इसको समाप्त करेंगे तो मैं आपको 3, 4, 5, 6 एक बार दृष्टिगोचर कराता हूँ, दिखा देता हूँ कि दशा के जो इफेक्ट है वो आपके तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे पॉइंट के अंदर। तो जो तीसरा पॉइंट था वो मैंने आपको बताया था बेनिफिक और मैलिफिक भाव जो होते हैं वो असेंडेंट से जैसे काउंट होते हैं वैसे भाग को लग्नवत करके भी मैलिफिक और बेनिफिक पॉइंट जो प्लेसेस आपके काउंट होंगे, तो वहां दशा का जो लॉर्ड होगा बेनिफिक हाउसेस का, ट्रायंगल हाउसेस का, लाभ के भाव का, धन के भाव का, तो वो अच्छे परिणाम देगा। ये तो थर्ड में था। इसके बाद जो फोर्थ है उसमें फोर्थ में है कि अगर हमने किसी इंडिविजुअल, तो जैसे मैंने इसमें लिखा था कि करियर हम स्टडी कर रहे हैं तो 10th हाउस को, तो ये पिछले वाली बात को थोड़ा एक एग्जांपल देके बताया गया था कि 10वें भाव के बारे में, उसके करियर के भावों के बारे में, करियर के बारे में स्टडी करना है तो आपने 10वें को लग्नवत करके करना है। पांचवा पॉइंट जो था वो भाव लॉर्ड को आपने जो है ये नहीं देखना कि वो नेचुरल बेनिफिक नेचुरल मेलिफिक है, वो हमेशा एक प्रोटेक्टर ऑफ द भाव माना जाएगा और वो डिग्निटी का प्लैनेट माना जाएगा और वो हमेशा एम्पावर्ड माना जाएगा कि वो भाव के सिग्निफिकेशन का प्रोडक्शन दे। अब ये जो छठा जो पॉइंट था वो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई इसमें ये छह तरीके से बैठ सकता है, सम सप्तम, द्वादश, त्रिएकादश, चतुर्दशम, पंचनवम और षडाष्टक। ये हमारे यहाँ पे हमारे ये 8 पॉइंट समाप्त हुए, 10 कर लें तो याद रहेगा, 10 पॉइंट तक कर लेते हैं, वैसे 9:30 होने वाला है। नेटल चार्ट से, नेटल असेंडेंट चूंकि मदर ऑफ ऑल चार्ट है तो इससे इस प्रिंसिपल जो ज्योतिष में एक प्रिंसिपल चलता है, एक वो है कि नथिंग गेट्स ओवर रिटन इन दी हॉरोस्कोप, कोई भी चीज जो है हॉरोस्कोप से ओवरराइट नहीं होती। मतलब अगर जैसे मैंने आप लोगों को अभी एग्जांपल दिया था शाहरुख का, जैसे सूर्य नीच का फिर नीच भंग है तो पिता के वो लेके गया अर्ली एज में, तो साथ में नीच भंग का भी पूर्ण असर दिखाई पड़ा। तो बहरहाल, तो चूंकि नेटल चार्ट जो है ना मदर ऑफ ऑल चार्ट्स हैं, उसमें अगर कोई भाव का स्वामी अगर अच्छा नहीं बैठा तो हमें सबसे पहले जो है वो नेटल चार्ट से भाव के सिग्निफिकेशन को स्टडी करना होगा और उसको उसकी रीडिंग हमको वहां से देनी होगी। फिर हमने ये इम्प्रूव्ड सिचुएशन भाव को लग्नवत करके देखनी होगी, अगर इम्प्रूवमेंट आएगा तो हम उसको बताएंगे कि ये इम्प्रूवमेंट दिखता है तो उसका मतलब दोनों स्थितियां आपके जीवन में पैदा होने वाली है, मतलब वो स्थिति भी पैदा होगी तो ये स्थिति भी पैदा होगी। अब इसका एग्जाम्पल मैंने ये 10वें पॉइंट में आपको दिया है, ये मेरे क्लाइंट हैं जो क्लाइंट कर्क लगन के हैं जिनके चौथे हाउस में लिब्रा राशि पड़ती है, लिब्रा का जो स्वामी है वो शुक्र है, ये एक बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है। लिब्रा राशि का स्वामी शुक्र है जो कि अष्टम भाव में बैठा है, तो कहाँ लिब्रा से कैसा बैठा है, अपनी मूल त्रिकोण राशि थे पंचनवम और वो प्लैनेट की मूल त्रिकोण राशि है, तो उनके जो लार्ज इन्वेस्टमेंट्स हैं प्रॉपर्टीज में, एक इन्वेस्टर है और नहीं नहीं पंचनवम बना रहे, पंचनवम चौथे से इलेवंथ का लॉर्ड भी होगा ना, ऐसा है
हाँ इलेवेंथ का लॉर्ड भी हुआ, इलेवेंथ का लॉर्ड जो है वो चतुर्दशम हो गया, चतुर्दशम हो गया हाँ, इसीलिए वो उन्होंने उसको प्रोफेशन ले लिया है। हाँ इसीलिए उन्होंने जो है ना उसको एक प्रोफेशन के रूप में ले लिया है। दसवें पॉइंट पे थे हम लोग, इसको दसवें को समाप्त करते हैं ताकि मैं आप लोगों को 9:30 का जो वादा है उसको पूरा कर पाऊं। तो बहरहाल इनका जो ये जो कुंडली है इसमें क्या है कि क्लाइंट का जो है चौथे हाउस में कर्क लग्न की कुंडली है, चौथे हाउस में उनका लिब्रा पड़ता है, उसका जो स्वामी शुक्र है वो अष्टम भाव में प्लेस है, तो वो लिब्रा राशि से वो पंचनवम है, वो प्लेनेट की मूल त्रिकोण राशि से पंचनवम हो जाने की वजह से उन्होंने पंचम भाव जो है ना इन्वेस्टर का भाव माना जाता है, इन्वेस्टमेंट्स का, तो लार्ज इन्वेस्टमेंट्स वो प्रॉपर्टीज में करते हैं। कई बार उनको जो है पुलिस और कोर्ट में अपने पैसे को मनी जो डिफॉल्टिंग बिल्डर्स हैं उनके अगेंस्ट में जाना पड़ा है और हर बार वो जीते हैं, और उन्होंने न केवल अपना प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट विद इंटरेस्ट भी उन्होंने लिया है, उनको मिला है, और जब तक कई बार उनको डिस्प्यूट्स की स्थितियां जो है फेस की है बिल्डर से, डिलेड हैंडिंग ओवर प्रॉपर्टीज में, डिले इन पेपर वर्क में, लेकिन सारे के सारे उनके फेवर में सॉर्ट आउट हो जाते हैं, लेकिन वो इस बात को कहते हैं न्यूसेंस वैल्यू मुझे मिलती है। तो मैंने उनको ये समझाया था ये अष्टम में बैठने का कॉन्सेप्ट, मैंने उसे ये बताया कि अष्टम में आपका बैठा है इस वजह से एक न्यूसेंस वैल्यू उसने डाल दी है, लेकिन चूंकि ये पंचनवम है चतुर्थ से इसलिए आपको एक इन्वेस्टर बना दिया, क्योंकि पांचवा भाव जो है इन्वेस्टमेंट्स का भी माना जाता है, शेयर इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, वेल्थ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो एज ए इन्वेस्टर भी है। तो ये कई बार जो है बिल्डर्स से उन्होंने बताया कि सीक्रेटली उनको कॉम्पनसेशन दिया है कि डिले पोजीशन का, डिलेड पोजीशन में वो बिल्डर्स जब उन्होंने बिल्डर्स से को थ्रेटन किया तो बिल्डर्स उनके पास में आके और उन्होंने उनको सीक्रेटली कॉम्पनसेशन उन्होंने दिया, उन्होंने कहा भाई किसी और को मत बताना या केस मत डालना, तो हमने 6 महीने का आपको डिलेड पोजीशन है तो हम आपको 8 महीने का इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये उनको हमेशा फायदा ही होता है, कभी नुकसान नहीं होता, लेकिन उनके 30% उनके जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं वो इस तरीके से झगड़े झंझट झमेले में फंसी हुई है। तो कई बार मैं एक बार उसे पूछ रहा था तो बोले अब तो मैंने वकील को हायर ही कर लिया है, वो कहते कौन बार बार जो है ये मतलब इस तरह का वकील ढूंढता रहे फिर वो करता रहे, उन्होंने कहा मैंने तो वकील को के साथ में मेरा तो बिल्कुल टाइप हो गया, कोई ना कोई मुझे मालूम है ये मेरे जीवन में एक घटना होने वाली है, तो वकील का जो है अपसेट हो गया। बहरहाल हम यहाँ 10th पॉइंट पर हम इसको रुकते हैं। तो बहरहाल जो ट्रबल्ड एंगल है वो अष्टम के प्लेसमेंट के लगन से दिखता है, लेकिन जो विनिंग सिचुएशन है वो 5 और 9 इक्वेशन फ्रॉम द भाव से दिखाई पड़ता है, और उनकी प्रॉपर्टीज के इन्वेस्टमेंट की वजह से उनको काफी अच्छा कैपिटल गेन होता है, इसीलिए उन्होंने उसको एज ए इन्वेस्टर, लेकिन वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिसीक में नहीं करते, मतलब वो वैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी उनका हैंडल होता है, तो उसमें शेयर मार्केट में, ईसॉप में और इन सब में, मतलब शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, इन सब में, गोल्ड में, इन सब में वो इन्वेस्ट कर, तो आज काफी धनाढ्य व्यक्ति, मतलब 9:30 बज गए हैं, अब आप लोग फ्री हैं, लेकिन इसके पहले आप में से किसी ने कुछ पूछना हो, इस ये मेथड जो है ये मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको आप अपना फेवरेट बनाइए और इसको आप अपने पूरे जीवन की घटनाओं को प्लॉटिंग करिए, जैसे सपोज आपके किसी बच्चे का विवाह एक मांगलिक कार्य माना जाएगा तो विवाह की डेट तो आप भूल नहीं सकते, तो आप अपनी कुंडली का पंचम भाव लग्नवत करके प्रथम चाइल्ड के लिए सप्तम भाव, द्वितीय चाइल्ड के लिए नवम भाव, तृतीय चाइल्ड के लिए, ऐसे तो वैसे आपको पंचम भाव से इकलौते भाव से ही आपको वो दशाएं जस्टिफाई कर देंगी, ये क्योंकि मेरे हिसाब से पंचम या नवम भाव के लग्नवत करने से ही बच्चों के बारे में कोई भी अच्छी घटनाएं या कोई भी मांगलिक कार्य आपके इस कुंडली के द्वारा प्रदर्शित दशा लग, मतलब लग्नवत करके उसका प्रदर्शन हो जाएगा। आप ऐसे किसी ने कुछ पूछना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज हम क्लोज करेंगे। चैट बॉक्स में देख लेता हूँ किसी ने पूछा हो तो। नमस्कार आप सभी को।
पूजा सानी चली गई हैं। नमस्कार, मैं चैट बॉक्स वालों को भी कर रहा था, मैं भूल गया था। अच्छा, फिर आप सभी देवज्ञों को मेरा नमन, और हम लोग फिर कल फिर दोबारा हम लोग मिलते हैं। थैंक यू। नमस्कार 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 जी, नमस्कार। आप पूछिए पूछिए। बिल्कुल सर, ये अगर हमने किसी उसको लगनबद्ध किया किसी भाव को, और उसका जो स्वामी एक है, एक एक मिनट एक मिनट रुकिएगा नवीन साहब। अब आप अनम्यूट करके बोलिए, कोई किसी के बैकग्राउंड में शोर आ रहा था। नवीन साहब अब बोलिए। हाँ जी, हाँ सर, जैसे अभी हमने ये टेक्निक देखी कि हम किसी भाव के सिग्निफिकेंस को समझने के लिए उसे लगनबद्ध करते हैं, और हमने लगनबद्ध किया और उस भाव का जो स्वामी है अपने से षडाष्टक बैठ रहा है, छठे भाव में बैठ रहा है उससे, और लेकिन उसका क्या कहते हैं नीच भंग भी हो रहा है, लेट अस से कि उसका एक नीच भंग वाला वही कंसेप्ट बन रहा है। तो सर ये सारी चीजें उसके साथ हम कंसीडर करेंगे उसको? बिल्कुल करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो नीचभंग राजयोग है वो दुख स्थानों में दो ही राजयोग चलते हैं, और इन दोनों में भी विपरीत राजयोग जो हर्ष विमल सरल जो राजयोग है उससे ज्यादा अच्छा परिणाम मैंने देखा है। आप लोगों को पहले की पिछली क्लासेस मैंने आपको बताया था, जो कैबिनेट सेक्रेटरी इस समय है, जो प्राइम मिनिस्टर के नीचे ब्यूरोक्रेसी के टॉप होते हैं, उनकी कुंडली में निजभंग राजयोग बनते हैं। दो निजभंग राजयोग, एक उनका बनता है 12th हाउस पे मंगल का, वो विश्वनाथ साहब ने उसमें फिर कुछ कमेंट्स भी किए थे कि वो क्योंकि उसमें 9th का लॉर्ड जो है उसके साथ में राशि परिवर्तन होने की वजह से बन रहा था। बहरहाल जो निजभंग राजयोग है ना वो दुख स्थानों के बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, तो आपको सारे कंसीडर करने होंगे। चलिए हम इसको रखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर। थैंक यू सर, मिलते हैं 7:10 पे मिलेंगे।